नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल में दोस्तों, जहां हम चर्चा करेंगे आपके साथ अपने डेली क्लास द हिंदू एडिटोरियल की। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज और विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों समय हो चुका है 11:11 का, शाम के 11:11 का। थोड़ा अपना सेशन लेट है लेकिन हो रहा है, अच्छी बात यह दोस्तों डेली क्लास हो जाती है अपनी, बिना रुके बिना थके बिना मुड़े बिना भूले क्लास हो जाती है अपनी दोस्तों। मुलाकात करते हैं दोस्तों हम लोग रात को शाम को 6 बजे, लेकिन अगर 6 बजे नहीं हो पाती किसी कारणवश तो क्लास रात में 11 बजे अवश्य होती है आपके साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की अपने, तारीख 2 सितंबर की है। कल हमने क्लास की थी, उम्मीद करूं आर्टिकल आपने देख लिए होंगे, सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा उसको दोस्तों। जी हाँ, और पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा अपने टेलीग्राम ग्रुप से दोस्तों। आप लोगों ने सभी को नमस्कार मेरा। हेलो राकेश, शुभांकर, सोनकर, बबीता, आंचल, विकास, नेहा, सचिन, रेनु, मधु, सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा सभी मित्रों को नमस्कार। आइए बात करते हैं आज के आर्टिकल्स में क्या क्या है, आज के आर्टिकल्स में क्या है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग, पढ़ रहे होंगे बहुत बढ़िया से आप लोग। चलिए दोस्तों आज के आर्टिकल्स में क्या है बात करते हैं आपके, जल्दी से हम लोग यहाँ पर फटाफट हम चलते हैं आपको लेकर। पहले तो बोर्ड पर चलता हूँ आपको लेकर, बोर्ड पर हम कुछ बात लिखेंगे आपके साथ। चलिए क्या क्या आर्टिकल है दोस्तों क्लास में अपनी, आज के क्या आर्टिकल हमारे पास है बात करने के लिए। तो आज के आर्टिकल में दोस्तों पहला आर्टिकल जो मैं चर्चा करने वाला हूं, चाइना के ऊपर बात करेंगे आपके साथ, चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर, चाइना के स्लोडाउन पर। आज के द हिंदू में आर्टिकल दिया है, चाइना में जो मंदी आई है इसका रिपल इफेक्ट या इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या होने वाले हैं दुनिया पर, उसकी बात की गई है पहले आर्टिकल में। द हिंदू का आर्टिकल दोस्तों आज का ही 2 सितंबर का। दूसरी बात मैं करूंगा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, काफी अखबारों ने आज कवर किया इसको, वन नेशन वन इलेक्शन को कवर किया, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है, द हिंदू ने भी थोड़ा बहुत न्यूज के फॉर्म में, और बाकी कई अखबारों ने इसको कवर किया है आज, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। जी हाँ, बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज। इसके अलावा एक मुद्दा होगा दोस्तों, जीडीपी के आंकड़े कल हमने देखे थे आपके साथ, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कृषि की बात की गई है, किस प्रकार एक समय कृषि देश को आगे लेके जा रही थी, किस प्रकार एक समय कृषि देश को आगे लेके जा रही थी कोविड काल में, अब कृषि इकोनॉमी को ड्रैग अप कर रही है, पीछे खींच रही है। तो आखिर एग्रीकल्चर और जीडीपी का रिलेशन किस प्रकार देखा जाएगा और इसको क्यों समझना जरूरी है आपके लिए, बात करेंगे तीसरे आर्टिकल में। इकोनॉमी के आर्टिकल में दोस्तों पॉलिटी का, आईआर का, इकोनॉमी का। एक आर्टिकल दोस्तों मैं लूंगा यहां पर, जो कोटा शहर है वहां जो सुसाइड केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर आज हिंदू ने एक बहुत बड़ा राइटअप दिया है, हिंदू ने एक बहुत बड़ा लेख दिया है उसको लेकर, ग्राउंड रिपोर्ट में कलूं अच्छा रहेगा। वहां पत्रकार गए द हिंदू के, उन्होंने पूछताछ की बच्चों से, मालिकों से, मकान मालिकों से, कोचिंग ओनर से, वहां से क्या निष्कर्ष निकाल के वो लाए हैं, आखिर क्यों है सुसाइड केस वहां पर और क्या इसके लिए इसके मायने हो सकते हैं। तो बात करेंगे कोटा सुसाइड केस के बारे में दोस्तों आपके साथ, कोटा केस के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों बात होगी जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो तनातनी चल रही है, एक नई एक प्रकार से एक संघर्ष देखने को मिल रहा है हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बात उसकी भी करेंगे आखिर क्या मायने हैं उस संघर्ष के, क्या मायने हैं उस पूरे विवाद के दोस्तों आपके साथ। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं चर्चा करने के लिए आपके साथ, डिफरेंट प्रकार के आर्टिकल्स कवर होंगे आपके लिए। और एक आर्टिकल दोस्तों में जो मैं इंडियन एक्सप्रेस से लाया हूं आपके लिए वो है स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, संसद का स्थायी एक विशेष अधिवेशन, ये क्या मायने हैं और क्या इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इसकी बात करेंगे आपके साथ दोस्तों लास्ट वाले आर्टिकल में हम लोग यहां पर। तो ये अपने पास काम करने का आज का एजेंडा, उम्मीद करेंगे प्रारंभ कर पाएंगे। क्या सब लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, क्या सब लोग आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। ये है दोस्तों मेरा नाम, जो नहीं जानते मुझे यहाँ पर, ये नाम है, ये फोटो है और इसके बाद मेरे बारे में कोई लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर जिसपे क्लास के पीडीएफ लिंक आदि प्राप्त होते रहते हैं। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों, ये संडे का दिन आएगा, कल हम करेंगे चैट आराम से बैठ के वहां पर। तो ये जो आपका नोट्स ग्रुप है दोस्तों, ये जो आपका नोट्स ग्रुप है यहाँ पर आप जुड़ जाइए मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर, जिससे हम लोग कल बात कर पाए, चर्चा कर पाए और अपनी आज वीकली चैट को हम लोग अंजाम दे पाए कल। तो जुड़ जाइए दोस्तों, जहाँ क्लास के पीडीएफ और लिंक आपको प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, आप स्पेशल क्लासेस में, YouTube क्लासेस में, और जुड़ सकते हैं हमारे साथ प्लस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, प्लस क्लासेस में आपके लिए अच्छी बात है, वहां पर आपके आरंभ बैच लॉन्च हो रहा है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन लॉन्च हो रहा है आपका आरंभ बैच दोस्तों, जुड़िए वहां पर। मृणाल सर इकोनॉमी चालू होगा क्लास में, फीस काफी डिस्काउंटेड चल रही है, जस्ट इन 39,000 में जीएस, सी सेट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, एक साल के लिए सब कुछ मिलेगा आपको जस्ट इन 39,000, 48,000 में आप ऑप्शनल भी कर सकते हैं, यानी कि जस्ट इन 48,000 पूरी तैयारी आपकी यूपीएससी की हो सकती है सिंगल प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहें तो लॉन्च हो रही है दोस्तों टेस्ट सीरीज कल से आपके लिए, कोड रहेगा मेरा आशीर्वाद 360,
जिसका यूज करके आप डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी याद रखिए, टेस्ट सीरीज देना हो या आपको बैच लेना हो हमारा आराम बैच, या फिर हिंदी माध्यम के स्टार्ट ले सकते हैं प्रतिज्ञा बैच मुखर्जी नगर से। जो ऑफलाइन क्लास होती है वो सीधी लाइव मिलेंगी आपको दोस्तों यहाँ से हमारे प्रतिज्ञा बैच में। चलिए प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़े हम लोग। ये है कॉन्टैक्ट नंबर, जहां पर दोस्तों कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं कोई भी जानकारी आपको करनी है। कोड आप यूज कर सकते हैं, मेरा कोड है आशीर्वाद 360, या किसी अन्य फैकल्टी का कोड यूज करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कोड यूज कर लीजिए, डिस्काउंट उतना ही मिलेगा, ठीक है। मेरा ना करें किसी का यूज करके ले लीजिएगा, लेना चाहें तो आप लोग हमारे प्लस क्लास में एडमिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके संग चालू करेंगे अपने आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पर। एक बार मैं चैट बॉक्स देख लूं फटाफट, आपका संतुष्टि हो जाए कि सब कुछ ठीक है, आवाज आवाज पहुंच रही है। आज सुबह वाले सेशन थोड़ा आवाज गड़बड़ हो गई थी अपने आदित्य वाले क्लास में, सब कुछ ठीक है दोस्तों हमारे बीच? ठीक है सर। यार आज ना एनसीईआरटी की क्लास बली चल गई भारत पाकिस्तान मैच की, मेरी गलती नहीं है। देखो यार, थोड़ा सा स्पोर्ट्स प्रेमी इंसान है, कोई अच्छा स्पोर्ट इवेंट होता है तो मन करता है देखने का, और इंडिया पाकिस्तान का मैच उसमें से एक दिन होता है। तो सुबह आदित्य 11 लॉन्च हो गया, तो सुबह वो थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया पूरा, वो दिन में एक घंटा डेढ़ घंटा जो मिस हुआ ना, उसके चलते दिन भर का पूरा शेड्यूल बिगड़ता चला गया आज। तो वो शेड्यूल ऐसा बिगड़ा कि 6 वाली क्लास 11 बजे करनी पड़ रही है, और जो 11 बजे एनसीईआरटी तो कल करेंगे हम लोग, चिंता मत करिए होगा जरूर। थोड़ा सा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसके लिए, आदित्य 11 और पाकिस्तान भारत का मैच ये जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए चिंता मत कीजिए, हो जाएगा कल। चलिए आइए दोस्तों बात करें पहले आर्टिकल पे आपके साथ। पहला आर्टिकल है चीन की मंदी। मैं आपको इस आर्टिकल में अंदर लेके नहीं जा रहा हूं, आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, प्यारा सा आर्टिकल है, मैंने बहुत कुछ निकाला भी है आपके लिए आर्टिकल में। इसके अंदर जो अखबार की मुख्य मुख्य बातें हैं वो निकाल रखी हैं आपके लिए वहां पर। ओके क्या हो गया, चलिए व्हाटएवर, ये मैंने निकाल रखा है, मैं समझा देता हूँ आर्टिकल बैठा के आपको पूरा है क्या ये, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें हम समझ लेते हैं आर्टिकल के अंदर हो क्या रहा है दोस्तों। देखिए चीन का पूरा मॉडल समझेंगे, 10 मिनट के अंदर पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा आर्थिक मंदी का मॉडल 360 फॉर्म में। देखिए हुआ क्या, चीन में 1980s के दशक में क्या हुआ दोस्तों, रिफॉर्म किए गए वहां पर, सुधार किए गए इकोनॉमी के अंदर, वहां की इकोनॉमी में रिफॉर्म किए गए। हमारे 1991 में होते ना एलपीजी रिफॉर्म, वैसे चीन में किए गए रिफॉर्म इकोनॉमी के अंदर, निवेश को स्वीकार किया गया, एफडीआई को एम्पावर किया गया, सरकार ने काफी पैसा लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर चाइना की ग्रोथ अच्छी होना शुरू होती है, 5% ग्रोथ होना शुरू हुई, फिर 7% पहुंची कुछ सालों में, फिर 12% तक पहुंच गई जीडीपी ग्रोथ इनकी। जी हाँ, अगले 30 साल चीन में बहुत बड़े स्केल पर ग्रोथ होती रही देश की, यहाँ पर 10 से 12% एवरेज जीडीपी बढ़ रही थी, इतनी बड़ी आबादी की इनकम बढ़ रही थी, देश की आय बढ़ रही थी। चाइना जो नंबर 50 में नहीं था, टॉप 50 में दुनिया की टॉप सेकंड अर्थव्यवस्था बन जाता है 2010-12 तक आते आते। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसके पीछे कारण क्या था, ऑफ कोर्स बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट कर रहे थे चीजों को, ये निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था थी, एक्सपोर्ट करते थे बड़े स्केल पर, सस्ता उत्पादन करते, पैसा लेबर को देते नहीं थे, लेबर का शोषण होता था बहुत ज्यादा, सस्ता श्रम करो, दिन भर काम करो, कोई सुरक्षा मानक नहीं, दिन भर के काम के आपको आधा वेतन भी नहीं मिलेगा, सस्ता बनाओ बड़े स्केल पे बाहर बेचो, सस्ता चाइनीज सामान, मेड इन चाइना, सस्ता क्वालिटी में खराब सामान आया करता था, दुनिया भर के बाजारों पे छा गया, चाइना की जीडीपी बढ़ गई। जी हाँ, चाइना जीडीपी बढ़ी, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ा, जीडीपी बढ़ी, लेकिन बट लोगों की सैलरी, लोगों की इनकम कम रही, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर काफी कम रहा, ये व्यवस्था बनी रही 2010 तक। लेकिन चाइना में एक बहुत सीधी बात है, चूंकि वहां लोकतंत्र नहीं है तो सरकारों को लेजिटिमेसी या सरकारों को वैधानिकता तब तक मिलती है जब तक जनता खुश है, जनता का पेट भरा है, सरकार स्टेबल है, जनता का पेट खाली है वो सड़क पर प्रदर्शन करेगी आकर और प्रोटेस्ट करेगी तो सरकार फेल मानी जाएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पर कोई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारों का सीधा गोल था कि जनता को नौकरी मिलती रहे, जनता का पेट पर्याप्त रूप से भरा रहे, बहुत लग्जरी लाइफ ना हो, इतना न्यूनतम वेतन मिल जाए कि वो अपनी जिंदगी चला पाए। अगर आपके इतिहास के छात्र हो आप में से कोई, तो आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का काल। खिलजी काल में क्या था, इतनी बाजार व्यवस्था इतनी टाइट थी उसकी कि वेतन बहुत कम देता था अपने सैनिकों को, अपनी जनता को वो, लेकिन इतना सस्ता सामान मिलता था उसके काल में
कि वो पर्याप्त वेतन भी काफी होता था, उतना कम वेतन भी काफी होता था। ये व्यवस्था मान लीजिए चाइना के साथ आज है, सैलरी कम थी 2010 तक, लोगों की काफी क्वालिटी ऑफ लाइफ का स्तर सामान्य था, भोजन मिल गया, नौकरी मिल गई, दैट्स इट। ठीक है, 2008 में मंदी आती है दोस्तों, 2008 में मंदी आई चीन के अंदर, दुनिया भर में मंदी आई। मंदी का मतलब, रिसेशन का मतलब क्या था, चाइना से जो माल बनके बाहर जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, वो नहीं होगा। अब मेड इन चाइना माल तो बन रहा है, खरीदने वाला कोई नहीं है सामने, अब क्या होगा, लोगों की इनकम मुश्किलें बढ़ने लगी, यहां पर समस्या बढ़ने लगी। उसी बीच में दो चाइना सरकार ने क्या किया, बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने यहां अवसंरचना का जाल बिछाने लगे। तो पैसा कमाया था उन्होंने दुनिया भर से, उसका प्रयोग करने लगे बंदरगाह बनाने में, बढ़िया बढ़िया बुलेट ट्रेन लगाने में, शहरों का विकास करने में। सरकार ने खूब पैसा खर्च किया कि लोगों को रोजगार तो मिलते रहे, एक्सपोर्ट कम हो गया कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे बढ़ावा देंगे, घरेलू निर्माण पर बढ़ावा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा देंगे। जी हाँ, तो चाइना सरकार ने क्या किया, चीन सरकार ने का जो पैसा कमाया है 30 सालों में ना, उसको खर्च करने का समय आ गया, खोल दिए खजाने अपने मंदी के समय, और खूब सरकारों ने खर्च किया, लोगों की इनकम बनी रही, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई, क्योंकि सरकार घर में खर्च कर रही है, देश का पैसा देश में खर्च हो रहा है। जी हाँ, तो इससे फायदा क्या हुआ, लोगों का जीवन स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने लगी समय के साथ। अब उनको बेहतर घर चाहिए थे, बेहतर गाड़ियां चाहिए थी, टिकटॉक पर रील बनाने के लिए स्मार्टफोन चाहिए थे, मतलब समझने के लिए बोल रहा हूँ, स्मार्टफोन चाहिए थे, यानी घर में उनकी मांग बढ़ने लगी, घर की कंपनियां घर में सामान बेचने लगी, ओप्पो Xiaomi बड़ी बड़ी कंपनी नाम सुनते हैं आप, चाइनीज मोबाइल फैक्चरर, वो देश मोबाइल बना के बेचने लगी। जी हाँ, ये चाइना बदल रहा था। इसी बीच राष्ट्रपति बनते हैं 2012 में शी जिनपिंग साहब, आजकल नाराज हैं भारत से थोड़े से, शायद ना आए G20 में, शी जिनपिंग साहब राष्ट्रपति बनते हैं इस समय। उन्होंने कहा कि चीन को मैं बड़ी अर्थव्यवस्था लाऊंगा, चीन को मैं वहां लेके जाऊंगा जहां कभी कोई राष्ट्रपति ले जा पाया, वॉट एवर, अपना सपना दिखाया चीन को उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया, चीन सरकार ने, चीन सरकार के कहने पर वहां की बैंकों ने बहुत बड़े स्केल पर लोन बांटे लोगों को, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है लोगों की, तो घर होना चाहिए खुद का, बड़ी कार होनी चाहिए लोगों के पास, अच्छा जीवन स्तर होना चाहिए, तो कैसे होगा, घर लो, खरीदो, पैसा लो, घर खरीदो, कंपनियां लो, घर बनाओ। तो कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े स्केल पर घर बनाए और पूरे के पूरे टाउन डेवलप किए गए, आगे की 20 साल तक की मांग के लिए घर बना के रख लिए कंपनियों ने। जी हाँ, रियल एस्टेट बूम आया वहां पर, एक प्रकार का बूम था रियल एस्टेट सेक्टर में, घर निर्माण क्षेत्र में बहुत बड़े स्केल पर निवेश किया गया, शहर के शहर बना दिए गए वहां पर, बहुमंजिला इमारतें लगातार खड़ी थी, बना के तैयार कर दी, इन्वेंट्री बना ली कि लोग मांग करेंगे, कल लोगों को लोन मिलेगा, मांग करेंगे और ये घर बिक जाएंगे हमारे, शहर के शहर तैयार कर दिए। लेकिन चीन ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, एक तो कहीं ना कहीं समस्या बाहर के बारे में आई गई थी, जब तक चीन उससे बाहर निकलता, जब तक बाजार बाहर का बाजार दोबारा उभरता, तब उसके बाद चीन में एक समस्या और आ गई। चीन को उम्मीद थी कि मंदी खत्म हो जाएगी, दोबारा एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, लेकिन इसके बाद दुनिया में क्या हुआ, मंदी के बाद क्या हुआ, दुनिया भर के देशों ने कहा संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म, ट्रंप जैसी विचारधाराएं आ गई कि चाइना का माल नहीं चाहिए हमको, यहां पर चाइना का माल बैन करो, ट्रेड वॉर चल गया दुनिया के अंदर, चाइनीज माल को बैन किया जाने लगा दुनिया भर के अंदर। आज कोरोना आते आते उसके बाद क्या हुआ, चाइना में निवेश आना कम हो गया, चाइनीज में निवेश नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब चाइना का विकल्प ढूंढ रहे हैं, वहां जाके निवेश करेंगे, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी आ गई, ट्रेड वॉर, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, कोरोना की जीरो कोविड पॉलिसी, एक्सपोर्ट रुक गया पूरा का पूरा। यानी पिछले 5-7 सालों में चीन ने जो सोचा था रिकवरी कर लेगा वो नहीं हुआ। तो चीन में घर तो बना के तैयार खड़ दिए बिल्डिंग इन्होंने, खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा, अब बैंक खरीदने वाले को लोन ही नहीं दे पा रहे हैं। हुआ क्या इससे, हुआ ये कि आपके शहर के शहर बन के तैयार हो गए हैं, घर मल्टी स्टोरी बनी हुई है, खरीदने वाली जनता के पास पैसे नहीं है, यहां पर किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो बना था आपका, ये बन गए घोस्ट टाउन, घोस्ट टाउन, घर के घर सीमेंटेड घर खड़े हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है, नगर के नगर बने तैयार हैं, बिल्डिंग की इन्वेंट्री, इतना इन्वेंट्री बना के रखा है इन्होंने कि 50 साल तक घर की कमी नहीं होगी चीन के अंदर, खरीदने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, ये चीन की हकीकत है। इससे क्या हुआ, बैंक बर्बाद होगा जिन्होंने लोन दिया था इन कंपनियों को, रियल एस्टेट कंपनियां बर्बाद हो गई, एक के बाद एक पूरे ताश के पत्तों की तरह ये पूरा इकोनॉमी इनकी कोलैप्स करने लगी। सरकार के पास फंड्स हैं लेकिन सरकार इसे खर्च नहीं करना चाहती है। उसके बाद शी जिनपिंग ने क्या किया, शी जिनपिंग ने कहा यार कॉमन प्रॉस्पेरिटी, बहुत पैसा हो गया कुछ लोगों के पास, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया कुछ लोगों के पास, निकालो पैसा, छीनो इनका पैसा, बहुत कुछ लोग बहुत अमीर हो गए हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर बन गए हैं,
छीन लो इनका पैसा, अली बाबा से लेकर बहुत लोगों का पैसा छीनने का प्रयास किया। तो जो अमीर लोग थे वो निवेश नहीं कर रहे चीन में अब, यानी जो चीन के अमीर लोग हैं वो निवेश नहीं कर रहे चीन में अब, पहली बात। बाहर का निवेश आना कम हो गया समय के साथ, जो बैंक थे जो निवेश कर सकते थे बैंक बर्बाद हो गए वहां पर। तो चाइना में ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट ड्राई हो गया, जो निवेश की नदियां बह रही थी यहां पर, जीडीपी की नदियां बह रही थी 12-12%, वो डेटा आ गया 3-4% पे पिछले महीने। यानी चाइना की ग्रोथ इकोनॉमी नीचे जा रही है, चाइना की ग्रोथ नीचे जा रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा? तो पहली बात हमने जानी चीन में कारण क्या है, आखिर इसका नीचे जाने का कारण क्या है, निवेश ना होना, निवेश का कम होना, निर्यात का कम होना, एक्सपोर्ट का कम होना। तो एक्सपोर्ट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है दोस्तों, अल्टीमेटली मुश्किलें बढ़ रही हैं। अच्छा, तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा दोस्तों, जो मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी, गवर्नमेंट की वैधता तब तक है जब तक लोगों का पेट भरा है, लोगों के पास खाने को है, नौकरी है। अगर लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं हो रहा, उनके जीवन में मुश्किलें हैं, उनकी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो प्रोटेस्ट चालू होगा, चीन में अस्थिरता पैदा होगी, अशांति पैदा होगी। और चीन इस दौर से गुजर रहा है, वहां पर लगातार सरकार के खिलाफ, बैंकों के खिलाफ, वहां पर एक रन ऑफ चल रहा है, कॉन्सेप्ट रन ऑफ का, बैंक में, बैंक ऑफ बैंक रन ऑफ, मतलब लोग बैंक भाग रहे हैं पैसा निकालने के लिए अपना, उनको लगता है बैंक डूब जाएगा, सरकार पे विश्वास कम हो गया है उनका, उनको कोविड पॉलिसी का सरकार विश्वास नहीं रह गया। यानी कहीं ना कहीं परिणाम क्या हुआ है, वहां पर लोगों गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कम हो गया है, गवर्नमेंट ट्रस्ट कम हो गया है, वहां पर लोग निवेश नहीं कर रहे हैं, या वो एक प्रकार से मुझे कहना चाहिए बचत, या कहना चाहिए अल्टीमेटली लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ खरीद नहीं रहे हैं, वो कुछ पैसा नहीं लगा रहे हैं कहीं पर, लोग घर के अंदर बचा के रखते हैं, पैसा कमाते हैं छुपा के रखते हैं घर के अंदर, सरकार को मालूम ना पड़ जाए, कहीं खर्च ना कर दें हम लोग, सरकार छीन ना ले हमसे। तो सरकार कहती है कोई निवेश, सरकार नियम बना दिया निवेश नहीं करोगे खर्च करोगे, जी हाँ। तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे वहां पर, घरेलू निवेश नहीं हो रहा, घर की मांग कम होती जा रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट बूम या रियल एस्टेट सेक्टर में संकट बना हुआ है, वहां परिणाम देख रहे हैं इसका, कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल है। इसका परिणाम ग्लोबल स्केल पर भी है, क्योंकि चीन जुड़ा है दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ, तो अगर चीन में मंदी आती है तो दुनिया मंदी आएगी, जी हाँ, दुनिया के देशों में असर पड़ सकता है, दुनिया के लिए आयात निर्यात कम हो सकते हैं। तो चीन का असर क्या होगा, शेष विश्व पर होगा, शेष विश्व में मंदी आ सकती है, तो निश्चित तौर पर यह भी खतरा बना रहेगा कहीं ना कहीं। आप बोल सकते हैं वहां निवेश नहीं आएगा, इंडिया में आएगा, लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं होगा हमारे लिए, कि हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी कहीं ना कहीं। तो ये एक मुश्किलें बनने वाली हैं दुनिया के लिए, परिणाम सामने हैं। क्या ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया दोस्तों? क्या ये आर्टिकल समझ में आ चुका है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मूव फॉरवर्ड, आगे आते हैं दोस्तों, अगले आर्टिकल पे आते हैं आपके साथ। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ इसमें ऐसा कुछ पॉइंट तो नहीं है जो मैं काम का हो ना बताया हो मैंने आपको यहाँ पर, एक फटाफट देख लेते हैं आर्टिकल, जो की पैराग्राफ थे आर्टिकल के मैंने निकाल रखे हैं आपके लिए कुछ यहाँ पर, कुछ काम के आर्टिकल में पैराग्राफ थे, तो एक बार देख लेते हैं आपके जल्दी से हम लोग। जैसे कि 2007 का स्टेटमेंट है चीन के प्रीमियर शोकॉल्ड प्रधानमंत्री, शॉर्ट ऑफ पद होता है प्रीमियर कहते हैं उसको, उनका मानना है कि 2007 में उन्होंने कहा था कि चीन में जो ग्रोथ हो रही है वो अनस्टेबल है, असंतुलित है, समन्वय नहीं है और अनसस्टेनेबल है। उन्होंने खुद माना था 2007 में कि चीन की समृद्धि सस्टेन नहीं कर पाई, चीन के प्रीमियर खुद मान रहे थे वेन जियाबाओ, ठीक है, उनको हटा दिया गया बाद में इस बात से सब खफा होकर। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बताया मैंने आपको यहाँ पर, दुनिया में जब मंदी आई तो चीन क्या कर रहा था, चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, कंस्ट्रक्शन कर रहा था, चीन ने रेलवे बनाए, हाईवे बनाए, बुलेट ट्रेन लगाई, जिससे लोगों की मांग बढ़े और लोगों को पता ना चले मंदी आई है, जी हाँ दोस्तों। तो ये एक पैराग्राफ हमने चेक किया यहाँ पर। इसके अलावा बताया मैंने आपको काम की बातें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, चाइना में जो ग्रोथ चल रही थी 10% की पिछले कुछ सालों से, वो अब कम हो गई है, वहां जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं, वहां पर न्यू जॉब्स वर हार्ड टू कम, जी हाँ, अब नए जॉब पैदा नहीं हो रहे हैं वहां पर, ग्रोथ रेट कम हो गई है, सामान्य से भी कम हो गई है ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट में कमी आ गई है, नए जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं, मंदी में आ गया चाइना यहाँ पर, ठीक बात है। जी जिनपिंग की बात मैंने की आपके साथ दोस्तों, चलिए इनकी बताई मैंने समस्या यहाँ पर, हाउसिंग का बबल है यहाँ पर एक प्रकार से, तो हाउसिंग बबल फट गया दोस्तों एक प्रकार से, चाइना का हाउसिंग बबल सामने आ गया, दुनिया के घर बना के रखे इन्वेंट्री बहुत सारी इनके पास हो गई है,
खरीदने वाला कोई नहीं है इनके पास दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं आपके साथ, मूव करता हूँ, आर्टिकल क्लियर होगा। पीपीटी मिल जाए, पीडीएफ आपको हिंदी में लिखा हुआ दोस्तों, पढ़ लीजिएगा आराम से, टेलीग्राम से निकाल के अपने नोट्स बना लीजिएगा आराम से यहाँ पर। चलिए बाहर आते हैं दोस्तों हम लोग, मूव करते हैं आज के सेकंड आर्टिकल पर आपके साथ, आज के सेकंड आर्टिकल पर चलते हैं फटाफट। सर जी महंगाई झेल लेंगे लेकिन चाइना का सामान नहीं झेल पाएंगे, बहुत बेकार क्वालिटी के आते हैं, चलें तो शाम चांद तक, ना चलें तो शाम तक। ये बेटा ये बात ना, ये जो डायलॉग है ना, ये चलता था 2012-13 से पहले। आज मेड इन चाइना सामान क्वालिटी वाला सामान है, आप समझिए इस बात को। नहीं समझ में आया तो इंडिया से अगर मैं कहूँ तो मेड इन इंडिया का सामान में बहुत सारी चीज़ें मेड इन चाइना की लगी होती है हमारे यहाँ पर। आप जो गैजेट यूज कर रहे होंगे उसमें 90% सामान चाइना से बना है, एक चाइना का पूरा फोन होगा अपने आप में। तो ऐसा नहीं है, ये आज जो डायलॉग था एक समय था 2010 के पहले तक, सस्ता उत्पादन। आज जो चीन बना रहा है बहुत अच्छे आइटम बना रहा है, R&D भी काफी निवेश किया उन्होंने अपने यहाँ, वहां की होम ग्रोन कंपनियां दुनिया की बड़ी कंपनियों को चैलेंज कर रही हैं। एप्पल अपना प्रोडक्शन वहां पर आके कर रहा है, दुनिया की बड़ी कार कंपनियां वहां के कार बना रही हैं, EV का बड़ा मार्केट वहां है, दुनिया में R&D में काफी निवेश कर रहा है चाइना। तो ये बात अब शायद सही नहीं साबित होगी कि जो आपने लिखा है कि चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, ये पहले कहा जाता था। आइए दोस्तों बात करते हैं चैलेंजेस इन होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल्स। जी हाँ दोस्तों, अगला आर्टिकल आपके साथ है यहां पर जिसमें बात कर रहे हैं हम लोग एक राष्ट्र एक चुनाव की। घटनाक्रम सुना ही होगा आपने, 3 दिन से बहुत मीडिया में चल रहा है, बहुत हंगामा चल रहा है इस मामले को लेकर दोस्तों, उसी पर मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ पूरी बात को यहां पर। देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव, आइए मैं अपनी सीधे बोर्ड पर चलता हूं दोस्तों आपको, आज सुबह मैं बात कर रहा था क्लास में अपनी, आप भी सुन लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग यह है कि देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक बार में कराए जाए, हर 5 साल में होना चाहिए। तो 5 साल बाद सारे विधानसभाएं और लोकसभा का चुनाव एक साथ एक बार में कराए जाए, यानी व्यक्ति वोट देने जाए तो यहां EVM बटन दबाए वो विधानसभा का और यहां EVM बटन दबाए वो लोकसभा का, एक बार में दोनों वोट डाल के आ जाए, ठीक है, ये मतलब है इसका। भारत में 1967 के पहले ऐसा होता था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होता था हमारे यहाँ पर। आजाद जब हिंदुस्तान हुआ, राज्य बने हमारे यहाँ, तो राज्यों में और लोकसभा चुनाव एक साथ चालू हुए थे, होना लगभग 3-4 बार हुए भी 1967 तक, ऐसा होता भी रहा। उसके बाद कई राज्यों में सरकारें जल्दी भंग हो गई, कई राज्यों में विधानसभा कोलैप्स कर गया, कई जगह पर कोई समस्या आ गई, उनका कार्यकाल छोटा होता गया, बदलाव होता गया, तो सीधे धीरे चुनाव हटते चले गए। जी हाँ, पहले कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ पर, लेकिन समय के साथ ही खत्म होता चला गया। संविधान क्या कहता है इस बारे में? तो संविधान ये कहता है कि चुनाव 5 साल में होने चाहिए, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, ठीक है, 5 साल के पहले हो सकते हैं, यदि सरकार बहुमत में नहीं है तो चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसे में ये संसद संविधान कभी नहीं कहता चुनाव एक साथ होंगे, चुनाव कहता है लोकसभा का चुनाव अलग, लोकसभा का चुनाव 5 साल के लिए होंगे, विधानसभा के लिए 5 साल के लिए होंगे, अगर सरकार बहुमत में नहीं रहती तो नया चुनाव कराया जाएगा, साथ में चुनाव करने के बाद संविधान कभी नहीं कहता। चलिए अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की जाती है, इसके तर्क क्या देते हैं यहां पर, मैं तर्कों की बात करूं सीधा आपसे, जान लेते हैं हम लोग यहां पर सपोर्टिव कौन कौन लोग हैं, वो क्या कहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं सहमत हैं इस बात से कि होने चाहिए चुनाव, उनके तर्क क्या हैं, यहां सुनते 360 बना रहा दोस्तों, आप सुनते जाइएगा आराम से क्या क्या तर्क है उनके। ठीक है, तर्क नंबर एक, आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की समय सीमा कम हो जाएगी। चुनाव होते हैं 4 महीने चुनाव में चले गए, ये चुनाव आ गया फिर वो चुनाव आ गया, 1 साल में 8 महीने तो चुनाव ही चलते रहे हमारे यहाँ, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता जो है दोस्तों, इसमें समय कम लगेगा आपका, इसमें समय कम वेस्ट होगा, एक बार में चुनाव है, एक बार लगेगी संहिता, एक बार नियम कानून लागू होंगे, 4 महीने में चुनाव बात खत्म, फिर 4 साल 8 महीने लगातार काम करो, फिर 4 महीने चुनाव कराए, फिर सारा मामला खत्म, ठीक है। सपोर्टिव स्टेटमेंट क्या कहते हैं? सपोर्ट ये कहता है दोस्तों कि चुनाव कराना एक महंगी प्रणाली है, एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो क्या होगा, अच्छी बात, चुनावी खर्चा कम हो जाएगा, तो चुनावी एक्सपेंडिचर या चुनाव के खर्च में एक्सपेंडिचर में कमी आएगी, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं।
इसके अलावा और क्या, चुनाव को एक साथ कराने का जो तर्क देते हैं लोग, उनका मानना है कि अभी होता क्या है, विधानसभा चुनाव हुआ, अब इसे एग्जांपल दूं मैं, लास्ट ईयर यूपी में चुनाव था, ठीक है, चुनाव से पहले आपने सुना कई सांप्रदायिक मुद्दे आते हैं, ओवैसी कुछ कह रहे हैं, योगी साहब कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ कह रही है, हर कोई कुछ ना कुछ कहता है, सांप्रदायिकता के नारे दिए जाते हैं अलग समूहों द्वारा, संगठनों द्वारा, कोई हिजाब विवाद की बात करता है, कोई लव जिहाद की बात करता है, कोई मंदिर मस्जिद की बात करता है, यानी कहीं ना कहीं ये जो विभाजनकारी ताकतें हैं समाज को तोड़ने वाली, ये बहुत बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं चुनाव के समय। अभी चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, दिल्ली के आसपास के, दिल्ली के लगे हुआ, दिल्ली जिन राज्यों से लगा हुआ है, चाहे वो राजस्थान हो, नीचे एमपी हो, या आसपास छत्तीसगढ़ के इलाके हो, यहाँ नॉर्थ इंडिया में चुनाव आने वाले हैं, हम चुनाव से पहले फेक सांप्रदायिक हिंसा देख रहे हैं देश के अंदर। जी हाँ, तो ये बात मानी जाती है कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार होता है चुनावों के समय, लोगों के वोट बैंक तय होते हैं इससे, तो कहीं ना कहीं बार बार समाज टूटता है। अब चुनाव साल में एक बार होगा, पांच साल में तो एक बार टूटन होगी जो होगी यार, जितना लड़ना है लड़ लो एक बार में, फिर चार साल बढ़िया से शासन करना, सब मिलकर रहेंगे, सब बढ़िया से रहेंगे, जितनी विभाजनकारी ताकतें हैं सब इस समय कर लो दो चार महीने के अंदर, फिर हम चार साल साथ में रहेंगे। जी हाँ, तो इससे क्या होगा, देश में विभाजनकारी ताकतें, देश को तोड़ने वाली ताकतें का रोल कम हो जाएगा, विभाजनकारी ताकतों का प्रभाव कम हो जाएगा। चाहे पांच साल में एक ही बार तोड़ना है, बस जितना करना है कर लो, चुनाव प्रचार में जितनी हेट स्पीच देनी है, जितने आपको बोलना है उल्टे शब्द बोल लो, चार पांच साल शासन करना आराम से, ठीक बात है अपने आप में। आइए दोस्तों आगे बढ़े आपके साथ। सहमत है उनका मानना, और क्या है, और क्या फायदा होगा इससे, इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, खर्च कम हो जाएगा, विभाजन ताकतें कम हो जाएंगी, चुनाव प्रचार के एक साथ होने से ना कहीं ना कहीं प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जनता का जो प्रशासन का समय है, सरकार का समय है, वो बचे कहीं ना कहीं। सरकार या टीचर की ड्यूटी लग जाती है, नौकरी लग जाती है, सरकारी अध्यापक है उसका चुनाव ड्यूटी लग गई, साल में दो बार या दो साल में दो बार ड्यूटी लग गई, तो पढ़ने का समय चला गया यार, सरकारी मशीनरी काम करना बंद कर देती है पूरा, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, वो बेहतर से काम कर पाएंगे, दक्षता से काम कर पाएंगे, इनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं बार बार चुनाव ना होने से। चलिए सर, और क्या फायदा होगा, वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो हम लोग, इसके अलावा एक जो बड़ा फायदा मिलेगा, कार्यकाल पांच साल का होगा, चुनाव एक साथ होंगे देश में, तो कहीं ना कहीं आप जो बोल सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट बनाए दोस्तों आपके लिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं तैयार किए थे आपके लिए एडवांटेज वाले क्लास में, तो आप भी देख लीजिए, वो टॉइंट पॉइंट तैयार किए थे मैंने आपके लिए, ठीक है। तो फायदा क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, लागत कम हो जाएगी, बताया मैंने आपको यहाँ पर, इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब आपको एक बार मालूम है, एक बार जाके दो काम कर रहे हैं ना, मतलब आप एक काम करने जाए, साल में दो बार काम करना पड़े, दो साल में दो बार जाके वोट डालना पड़े, अरे कौन डाले यार, एक साथ दो वोट डालना है, यहाँ मशीन ये मशीन, तो वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा दोस्तों, मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा इससे कहीं ना कहीं। सुरक्षा बलों का जो इंगेजमेंट एक साथ होगा, एक साथ सुरक्षा बल लगेंगे, मूवमेंट एक साथ होगा पूरे देश में, उसका सुरक्षा बल अपना काम कर पाएंगे, देश की सुरक्षा में लग पाएंगे वापस, वो बार बार चुनाव में लगना पड़ेगा उनको दोस्तों, सामाजिक ताना बाना बना रहेगा। ओके, पॉपुलरिस्ट मेजर, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्या होता है, अभी चुनाव आया, देखिए चुनाव आने वाला है तीन महीने बाद, कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया, एलपीजी के दाम कम हो गए, देखा आपने 200 रुपए कम कर दिए सरकार ने सीधे सीधे, चुनाव आने वाले हैं कई राज्यों में, ठीक है, या चुनाव आने वाले होते हैं, जैसे हमने कई बार देखा है सरकार स्कीमें लॉन्च करती है लास्ट मोमेंट पर, कोई ने हेल्थ स्कीम लॉन्च कर दी, कोई ने कोई घोषणा कर दी, मैं भी एमपी में था कुछ दिनों पहले, वहां पर देखा था सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है कि महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे वहां पर, वो ठीक है स्कीम अच्छी बुरी वो क्रिटिसाइज करते रहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आमतौर पर सरकारें करती क्या है, जब भी चुनाव आने वाला होता है किसानों को लोन माफ कर देंगे, आप अल्टीमेटली लोकप्रिय नीतियां बनाते हैं चुनावों के, दो बार चुनाव आएंगे पांच साल में, तीन बार चुनाव आएंगे तो तीन बार घोषणा करेंगे बड़ी लोकप्रिय नीतियों की, आपको जितना आप लोकप्रिय नीति घोषणा करेंगे, फ्री रेवड़ी कल्चर बांटेंगे, तो बोझ किस पे पड़ेगा, बार बार इकोनॉमी पड़ेगा बोझ, आपको लोकप्रिय नीति बनानी पड़ेगी, आपको इकोनॉमी के बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रांग करे बिना। जी हाँ, तो असर क्या पड़ेगा, पॉपुलर पॉलिसी बनाने में इकोनॉमी पर बोझ पड़ता है हमारी, एक बार चुनाव आएगा, जो घोषणा करनी एक बार कर लो यार, जो सस्ता करना है एक बार कर लो, पेट्रोल दाम करना है फ्री देना है, रेवड़ी देनी, जो देना है एक बार में दे दो, बार बार मत दो, बार बार घोषणाएं मत करो, ठीक है, इससे फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा दोस्तों बताया मैंने आपको, इलेक्शन कहीं ना कहीं चुनाव संहिता मुश्किल करते हैं, और डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट होता क्या है, अब बार बार चुनाव आते तो छोटी पार्टियां हैं, अब वो बेचारी चुनाव यहां लड़ेंगी विधानसभा का, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा उनको, फंड उनके पास लिमिटेड था, अब क्या होगा, चुनाव एक साथ है तो सारा दम लगा देंगे एक बार के चुनावों में, डेमोक्रेसी रियल डेमोक्रेसी बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ पॉइंट हमारे पास हैं जिनको आपने सुना समझा नोट किया,
तो सेना पर या अर्धसैनिक बलों का हमारा काम होगा, लोकप्रिय नीतियों से बजट पर जो प्रेशर पड़ता है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, इसके अलावा कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को फायदा मिलेगा, लोकतंत्र जीवित रह पाएगा शॉर्ट ऑफ उनके लिए भी दोस्तों। तो ये सारे फायदे मिलेंगे सपोर्टिव स्टेटमेंट के रूप में। ये बात क्लियर है हमको? तो सहमत हैं तो बटन दबाइए लाइक का और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब जो अगेंस्ट हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो अगेंस्ट है उनका मानना क्या है, उनके कहने क्या है वो सुन लीजिए दोस्तों, उनका कहना क्या है, जो लोग उसका अपोज कर रहे हैं ना उनके तर्क क्या है। पहली बात तो भैया सुनो ये, अगर केंद्र और राज्य में चुनाव एक साथ होंगे, राहुल गांधी, मोदी साहब, ओवैसी, ममता दीदी, सोनिया गांधी, अमित शाह जी रैली करने आएंगे, वो रैली करने आए, राज्य की विधानसभा का चुनाव भी है यहां पर और लोकसभा का चुनाव भी है, वो चुनाव प्रचार किस बात का करेंगे, किन मुद्दों का करेंगे? क्या वो लोकल मुद्दों का प्रचार फोकस होगा या राष्ट्रीय मुद्दों का होगा? वो जानते हैं मोदी साहब जो बोल रहे हैं उसका टेलीकास्ट नेशनल टेलीविजन पर हो रहा है, तो उन बातों को बोलेंगे जो नेशनल टेलीकास्ट या नेशनल मीडिया के काम की है। राहुल गांधी बोलेंगे अपनी अपनी चुनावी रैली में अगर, तो क्या बोलेंगे, उन मुद्दों की बात करेंगे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। यानी होगा क्या, विरोध हम क्यों कर रहे हैं इस बात का कुछ लोग, कि इससे नेशनल इश्यूज बहुत हावी हो जाएंगे स्टेट इश्यूज के ऊपर, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, पाकिस्तान का मामला, पुलवामा का मामला, बालाकोट का मामला, उरी का अटैक, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ना कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे, ये कमजोर पड़ जाएंगे। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद प्रमुख हो जाएगा, राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख हो जाएंगे, बड़े मुद्दे प्रमुख हो जाएंगे, ट्रंप क्या कर रहे हैं, चाइना को मैंने क्या कर दिया, G20 का मैंने आयोजन करा लिया, वो बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, लोकल मुद्दे गायब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, राष्ट्रीय मुद्दे प्राथमिक हो जाएंगे, राज्य के मुद्दे गौण हो जाएंगे, सेकेंडरी रह जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, इससे क्या होगा, एक जो साथ में चुनाव का जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना क्या है यहां पर, आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना एक साथ चुनाव कराने का, 30 लाख ईवीएम मशीन चाहिए दोस्तों, 30 लाख ईवीएम मशीन है हमारे पास, 15 लाख से 18 लाख के बीच ईवीएम मशीने हैं, 5 साल में चुनाव होगा तो एक ईवीएम का कार्य चलती है 15 साल तक, हर 3 चुनाव बाद आपको 30 लाख ईवीएम नहीं चाहिए, आपको ईवीएम रखने की जगह चाहिए, तो निश्चित तौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईवीएम का है, आज पूरा का पूरा एक डेटा दिया है इंडियन एक्सप्रेस ने, बहुत बड़ा डेटा दिया इंडियन एक्सप्रेस ने, मैं दिखा पाऊं शायद अगर आपको, तो एक पूरा डेटा इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है इस पर आज, पूरा काम का नहीं है लेकिन जो ने कहा है डेटा को लेकर, 3 मिलियन ईवीएम, मैसिव सिक्योरिटी एंड फंड्स चैलेंज इन होल्डिंग सैमिटाइजेशन। जी हाँ, तो बहुत बड़े इसके सुरक्षा चाहिए आपको, फंड चाहिए एक साथ बहुत बड़े, और 3 लाख या 30 लाख ईवीएम मशीनें चाहिए, और यहां पर ये खुद ही कह रहे हैं जनाब, जो ईवीएम मशीनें हमारे पास हैं 17 लाख के आसपास है सब मिलाकर, यानी दोस्तों समझ सकते हैं मतलब क्या है, तो ईवीएम मशीन कहां से लाएंगे इतनी, 30 लाख मशीनें हम लोग, और एक ईवीएम मशीन चलती है 15 साल, 3 चुनाव कराई खत्म, तो मुश्किल होगी अपने आप में उसका रख रखाव करना, बड़ा मुश्किल काम होगा। तो राइट नाउ अभी हमारे पास इतनी ईवीएम मशीनें भी नहीं है कि साल 2024 में चुनाव करा पाए, हाँ 29 में लोकसभा होगा तो शायद ईवीएम मशीन हो जाए, तब तक राइट नाउ इतनी मशीन हमारे पास नहीं है कि हम देश में ईवीएम चुनाव एक साथ करा पाए 2024 के चुनाव कम से कम। चलिए सर, इसके अलावा बड़े स्तर पर सुरक्षा, अभी एक राज्य दो राज्य में चुनाव होते हैं, लोकसभा में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन अगर हर राज्य में हर सीट पर चुनाव होगा तो मुश्किल होगी, आपको सुरक्षा पर बड़ा खर्च करना पड़ेगा, व्यय बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, आपको लगता है व्यय कम हो जाएगा, आप जो कह रहे हैं कि चुनाव एक साथ होंगे तो व्यय कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, आप कह सकते हैं जनाब लोकसभा चुनाव में खर्च होते हैं 20 रुपए, विधानसभा में खर्च होते हैं 10 रुपए, तो 5 साल में आपको 30 रुपए खर्च करने होते हैं, ठीक है, ये बढ़ जाते हैं 3 सालों में, कई आप खर्च करते हैं, किस साल आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, फिर 20 रुपए खर्च कर दिए, बढ़ गया सालों में आपका खर्च, अब क्या होगा, 30 की जगह 25 खर्च होंगे, बात ठीक है 25 रुपए खर्च होंगे आप एक साथ चुनाव कराओगे, लेकिन ये खर्च एक साथ देना पड़ेगा राज्यों को, एक साथ बोझ पड़ेगा, खर्च कम होगा पहले से लेकिन ये बोझ एक साथ होगा सारा का सारा, उस साल की इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी यार, जिस साल चुनाव होंगे देश में 24वां चुनाव होने वाले हैं पूरे देश में, तो सरकार का अधिकांश सोर्स कहां चलेगा पैसा, वो चला गया केवल आपके तैयारी में, कहां चला गया, केवल चुनाव कराने में दोस्तों। जी हाँ, तो बड़ी समस्या क्या होगी, तो चुनाव का खर्चा बड़ा होगा यहां पर। इसके अलावा लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इसका, कुछ लोग उनका मानना है यहां पर
कि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता कम हो जाएगी। अभी क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल कोई पार्टी का ले लीजिए नाम आप, कोई एक्स पार्टी है, उसने वादा किया था 5 साल पहले कि भैया मैं आपके घर में आपके दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगी 15,000, ठीक है, वादा करके चली गई पार्टी। अब 5 साल बाद आएगी चुनाव, लोकसभा चुनाव में, तो वो लेकिन बीच में विधानसभा चुनाव आ गया तो 2.5 साल बाद 2 साल बाद आना पड़ेगा उसको, मैं पूछूं कहां सीसीटीवी कैमरे कितने लगाए बताओ यार कम से कम, तो कुछ तो बताएगा भाई इतने लगाए मैंने, ये मैंने किया काम। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि है उसका, उसकी जवाबदेहिता तय होती है कहीं ना कहीं बार बार चुनाव होने से, सामने आना पड़ता है उसको, जनाब हाँ मैंने वादा किया था 2 साल पहले आपसे लोकसभा चुनाव के दौरान, वादा पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए इतने कैमरे लगा दिए हैं मैंने। अभी क्या होता है, कोई जवाबदेहिता नहीं होगी, एक साथ चुनाव होगा तो 5 साल बाद शक्ल देखेगी उसको, ना देखे टिकट कट गया उसका तो शक्ल ही दिखाएगा वो तो आके आपको फिर, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी, जवाबदेहिता कम हो जाएगी अपने आप में हमारे कैंडिडेट्स की, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा किसी भी डेमोक्रेसी के लिए दोस्तों। जी हाँ, तो हमारे पास, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, तो नुकसान क्या है, यहाँ पर नुकसानों की बात मैं कर रहा हूँ, अगेंस्ट जो लोग मानते हैं। तो पहली बात तो बताया मैंने, ईवीएम मशीन चाहिए, सिक्योरिटी मैन पावर चाहिए आपको यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों अकाउंटेबिलिटी का अभाव हो जाए कहीं ना कहीं, राज्य के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर कमजोर पड़ जाएंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सिंक्रोनाइज करना, इतने चुनावों में समन्वय करना बड़ा मुश्किल काम होगा, 28 राज्य 2-3 UT हो जाएंगी, कश्मीर में चुनाव 2-3 UT हो गई आपके पास, 28 राज्य हो गए प्लस आपके पास केंद्र हो गया, तो चुनाव करना सिंक करना पड़ेगा। इसका मानना है कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पर कि संवैधानिक संघवाद का उल्लंघन हो जाएगा। बड़ा मुद्दा क्या है, संवैधानिक मुद्दे हैं बहुत सारे, एक राज्य में विधानसभा भंग हो गई तो क्या वेट करेगा 5 साल तक वो, भैया जब लोकसभा चुनाव होता मेरा चुनाव कराना साथ में, आज सबके चुनाव करा दिए, 2 साल बाद झारखंड में गवर्नमेंट गिर गई, नई सरकार नहीं बन रही वहां पर, अब चुनाव ही एक विकल्प बसता है, तो 2 ऑप्शन होंगे, चुनाव कराओ केवल 3 साल की सरकार बनेगी या तो फिर, या फिर 3 साल राष्ट्रपति शासन लगाओ वहां पर और 3 साल बाद के साथ चुनाव कराना लोकसभा के साथ, तो 3 साल वहां की जनता को बिना किसी गवर्नमेंट के चलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह संघवाद का वहां के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, इस बात को एक्सपर्ट हमारे मानते हैं। क्या मेरी बात पहुंच पाई है दोस्तों आप तक, मेरी बात पहुंच पाई है पूरी यहां पर? तो ये कुछ तर्क और अगेंस्ट और फेवर में कुछ बातें हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के आपके फेवर के लिए दोस्तों। हो पाएगा टॉपिक तैयार हमारा, ये हो पाएगा टॉपिक तैयार? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, करना चाहे तो प्रैक्टिस, करना चाहे तो आप लोग प्रैक्टिस करना चाहे मुझे मेल करना चाहे प्रैक्टिस करके राइटिंग करके। हाँ दोस्तों बता दूं मैं आपको, सितंबर मंथ में ना आपके लिए अच्छी बात है, आप राइटिंग कर सकते हैं, आपको आंसर लिख के भेजना तो भेज सकते हैं, क्योंकि मेरी जो आंसर राइटिंग टीम है थोड़ी फ्री रहती है, अभी मेंस का टाइम बच्चे उसमें एंगेज हो गए सारे, तो आंसर राइटिंग टीम मेरी फ्री है इस समय, आप आंसर लिख के भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, मैं उनसे चेक करा दूंगा आपके लिए आंसर, मेरी टीम चेक कर देगी, तो स्वयं मैं देख लूंगा आपके आंसर्स को। अगर आपको आंसर लिखना हो लिखकर मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम में भेजिएगा, मेल कीजिएगा PDF बनाकर, ठीक है। उसके बारे में कल बता दूंगा चैट के दौरान मैं आपको, क्या है उसके प्रावधान, कैसे कर सकते हैं आप वो काम, ठीक है। तो कल उसके बारे में बात कर लेंगे चैट में दौरान कि क्या ऐसे इसको आंसर भेज सकते हैं आप लोग। अभी पूरा सितंबर में आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, पूरा सितंबर 3 अक्टूबर तकरीबन, आप जितने आंसर लिखना चाहें लिख के देते रहिए मुझे, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, मेरी टीम है बहुत लोगों की टीम है, अभी चूंकि मेंस है UPSC का, स्टेट PCS के मेंस हैं, तो बच्चे मेंस देने चले गए हैं, बैच है नहीं, तो अभी फ्री है मेरी टीम राइट नाउ 1 महीने के लिए, अब टीम फ्री है तो ऑफकोर्स उनसे कुछ काम करा सकता हूँ मैं, तो उनको मैं आपके आंसर चेक करने के दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो मुझे अपने आंसर लिख के भेज सकते हैं इस समय, अगले 1 महीने के दौरान जितने आंसर लिखेंगे मैं चेक करा दूंगा, कोई समस्या नहीं है आपकी, ठीक है। इसके लिए कल हम लोग चैट बॉक्स में बात करेंगे आपसे, बताऊंगा क्या मेल ID और कैसे आपको भेजना है, किस मेल ID पे कैसे भेजेंगे और कितने कब तक चेक होकर मिलेगा, फ्री है, कोई फीस नहीं, फ्री फ्री सेवा, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर रहा दोस्तों, आप लिख के भेज सकते हैं मेरे पास, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। ऐसे ही कई और क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पर, इसमें दिए गए हैं कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का मूल्यांकन करें, क्रिटिकल आ चुका है क्वेश्चन, UPSC में आ चुका है इस पर क्वेश्चन, इस पर UPSC में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जानते हैं, ठीक है। देखिए जो बात मैंने कही यहां पर कि अवधि कम हो जाएगी, व्यय कम हो जाएगा, लेकिन लेकिन सरकार की जवाबदेही भी कम हो जाएगी, दोनों पक्ष यहां पर भी लिखने हैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर, दोनों पक्ष लिखने हैं, कर सकते हैं इसको दोस्तों आप लोग, कि हम लोग आगे बढ़े यहां से, सभी लोग तैयार हैं, सहमत हैं, कोई डाउट प्रश्न हो तो पूछ लो आप आराम से यहां तक। सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, बिल्कुल लीजिए स्क्रीनशॉट, मेरा लीजिए, लीजिए आराम से लीजिए स्क्रीनशॉट, किसने मना किया, 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, हमारे एक मित्र बोर हो रहे हैं,
क्लास के बाहर जाओ बेटा, रंगीन दुनिया है। इस क्लास में ब्लैक एंड व्हाइट जीवन है, पढ़ने वालों का जीवन तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है बेटा। पढ़ने वालों के बाहर जाओ, खूब मनोरंजन मिलेगा क्लास के बाहर, ठीक है? खूब आपको कॉमेडी है, हंस हंस के परेशान हो जाएंगे, रील मिलेंगी देखने के लिए, खूब जाके देखो, रंगीन दुनिया बेटा। कहाँ क्लास में आ गए? ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, पढ़ने वालों का प्लेटफॉर्म बेटा। हाँ, आईएएस पैदा होते हैं ना, ठीक है? आईएएस को फॉलो करने वाले पैदा नहीं होते, आईएएस पैदा होते हैं, फिर समझिएगा। तो आईएएस के वीडियो और रील देखने वाले नहीं होते हैं यहाँ पर, आईएएस पैदा होते हैं, ठीक है? तो जाइए, बोर मत होइए। चलिए मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ये भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट चाहे तो, एक क्लिक 1 2 3। चलो आ जाओ दोस्तों, अगले आर्टिकल चलते हैं आपको लेकर। मैं अगले आर्टिकल में मूव करता हूं आपके साथ। ओके, आज द हिंदू ने ना ये बड़ा सा कवरेज किया कोटा को लेकर दोस्तों, फुल पेज कवरेज है कोटा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है कोटा की। द हिंदू ने पूरे पेज का कवरेज दिया है कोटा पर, कोटा में स्ट्राइक केस के ऊपर। तो मैंने पढ़ा पूरे उसको और बड़े शिद्दत से पढ़ा, क्योंकि ये सबकी ज़िंदगी जुड़ा है। बच्चे हमारे पास बहुत आते हैं कई बार, आप तो फिर जो बच्चे हमारे पास आते हैं कई बार वो डिग्री कर चुके होते हैं, बैचलर डिग्री कर चुके होते हैं, उम्र की एक सीमा पार कर चुके होते हैं, तो 25 साल 22-23 से लेकर 30 वर्ष के बीच के होते हैं। तो लेकिन मैंने अपने नॉलेज के लिए पढ़ा कि आखिर बच्चे क्यों परेशान होते हैं, उनका साइकोलॉजी क्या होती है, बच्चों की कैसे निपटा जाए। तो मैंने उसको पढ़ लिया पूरा, बड़ी मेहनत से पढ़ा, और मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो आपके संग शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सुसाइड केस इस पर कभी भी आयोग सवाल पूछ सकता है। कंपटीशन, भारत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, छात्रों में प्रतिस्पर्धा किस प्रकार छात्रों को आत्महत्या की ओर ले जा रही है। आत्महत्या बिल्कुल एक गलत चीज़ है दोस्तों, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए बच्चों को। यहाँ पर वो 16 साल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, IIT की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। इवन मैं कई बार देखता हूँ कि UPSC की फील्ड में जो ORN में रह रहे हैं या मुखर्जी नगर में रह रहे हैं बच्चे, उनमें देखता हूँ कई बार, वो वेल मेच्योर्ड बच्चे हैं यार, तैयारी कर रहे हैं UPSC की वहाँ पर, वो तो उनमें भी कई बार देखता हूँ, तो अपने आप में गलत चीज़ है यार। मतलब सोचो इससे पहले कई बार कि आप क्या कदम उठाने वाले हो। तो यहाँ पर एक एनालिसिस दिया गया है आज के इस अखबार में, और एनालिसिस क्या है बेसिकली, क्या कारण है यहाँ पर। तो कारणों पर तो हम सभी जानते हैं, एक बार ब्रीफ कर दूं मैं आपके लिए कारण, तो मैं चलता हूँ बोर्ड पर आपको लेकर। तो रीजंस ऑफ सुसाइड, स्टूडेंट सुसाइड की बात करें, कारण यहाँ क्या बताए गए हैं, 3-4 कारण जो समझ सकते हैं साइकोलॉजी में या सोसाइटी में काम आएंगे, लिखने में आपको समझने में काम आ सकते हैं दोस्तों टॉपिक के। लिसन केयरफुली, व्हाट आर द रीजन, क्या है रीजन? रीजन नंबर एक, आइसोलेशन, अलगाव। कोई भी स्टूडेंट 16 नंबर वाले जी कोटा की बात करें, 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्ची घर से बाहर आ गए हैं, अब तक घर में प्रोटेक्शन में थे, अपने माँ बाप की देखरेख में थे, यहाँ आ गए हैं, भीड़ में आ गए हैं, भीड़ तंत्र में आ गए हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है, पढ़ने में 12-15 घंटे पढ़ रहे हैं, फोकस पूरा पढ़ाई पर है, ऐसे कल्चर ऐसे एनवायरनमेंट की आज तक आदत नहीं थी उनको वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर एक अलगाव महसूस करते हैं, सम घर से, परिवार से दूर, समाज से दूर, अपने दोस्त यारों से दूर हो जाते हैं कई बार वो, और एक ये अलगाव ही कई बार वो डिसीजन लेने में मदद नहीं करता और वो गलत डिसीजन लेना चालू कर देते हैं। जी हाँ, तो ये जो आइसोलेशन एक प्रकार का, ये जो अलगाव है दोस्तों से दूर, पढ़ाई करने वालों का आता ना कि यार पढ़ रहे हो तो घर की शादी मत आना, घर पढ़ाई कर लो, अच्छा पढ़ रहे हो तो घर में कोई बीमार हो गया मत आना, बीमार हो गया घर में कोई, तो आप एक घर से अलग हो जाते हैं। वहां पर कोचिंग में इतना व्यस्त रखा जाता है आपको कि वहां दोस्त बनते भी हैं तो रात को 1-1.5 घंटे बैठ के बात कर ली, मैथ्स में से बात ही नहीं करते आप कभी, तो आपका जीवन बहुत अलग हो जाता है, अलगाव आ जाता है एक प्रकार से, आप समाज से कट जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, बर्डन, कई प्रकार के प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर एक बड़ा प्रेशर होता है, खासकर कोचिंग संस्थान आपके माता पिता की जेब में बिल्कुल गहराई तक हाथ डाल देते हैं और सब कुछ निकाल लेते हैं, और कई बार तो कर्ज का बोझ चढ़ा देते हैं उनके ऊपर, और इनके चलते बच्चों पर अत्यधिक प्रेशर होता है कि मेरे पिताजी मेरी माताजी पर इतना उधार हो गया है इस कोचिंग की फीस के चलते, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो ऐसे में वो एक्स्ट्रा प्रेशर कोई बात करने के लिए नहीं है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे को सुसाइड की ओर आगे ले जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर उसके ऊपर, खासकर उसके ऊपर जो कोचिंग फीस उसने पे की है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर। परफॉर्मेंस प्रेशर क्या है? टेस्ट हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है, अब
आईआईटी, अब कोटा में जाओगे स्टार बैच चल रहे हैं, हर किसी के स्टार बैच, जहां पर टॉप 100 बच्चे हैं उस कोचिंग के, 1.5 लाख 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं कोचिंग में, 100 बच्चों का स्टार बैच है, यानी आपने अलग कर दिया इन बच्चों को, तो पहले से अलग हो गए, तो परफॉर्मेंस मेरे को उस बैच में आना है, वरना सिलेक्शन होगा ही नहीं मेरा। वीकली आपको मारा पीटा जाता है, मारा पीटा मतलब टेस्ट के रूप में मारा पीटा जाता है आपको, तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे कई बार, और परफॉर्मेंस के अलावा आपके पास ऑल्टरनेटिव कैरियर नहीं है, तो परफॉर्मेंस तो खराब है ही है कई बार, वो एक प्रेशर होता ही है, ऑल्टरनेटिव कैरियर ना होना। अब ऑल्टरनेटिव कैरियर क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कोटा के साथ में पढ़े, कोटा की बात करूं तो 11th 12th को आपने बिता दिया कोटा के स्कूलों में, कोटा के स्कूल के डमी स्कूल होते हैं वो, तो वहां तो प्रैक्टिकल देने जाइए और कुछ काम नहीं होता वहां पर, वो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर, वो 11th क्लास का प्रेशर, वो स्कूल की दोस्ती, वो स्कूल का कल्चर, वो स्कूल का एनवायरनमेंट, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। स्कूल टाइम में कहां बैठे हैं, कोचिंग संस्थान के अंदर। तो ये जो बच्चा स्कूल में सीखता चीजें, स्कूल में अपने बहुत टीनेजर उम्र में स्कूलों में सीखते हैं बहुत सारी चीजें, वो नहीं सीखे आप लोगों ने, अल्टीमेटली उस प्रेशर को, उस दोस्ती को, उस स्कूल कल्चर को नहीं सीखा, तो ऑल्टरनेटिव कैरियर नहीं है। आपने 11th 12th कोटा से की है, कोई कॉलेज एडमिशन भी देगा आपको बाकी का यहाँ पर, या तो लो तो इंजीनियरिंग कॉलेज मिले तो अच्छा, अदरवाइज कहीं नहीं मिलने वाला कुछ। तो इससे क्या होता है, विकल्प बहुत कम होते हैं लोगों के पास। इसके अलावा और क्या समस्या है, इसके अलावा कोटा का शोषणकारी रूप, एक्सप्लॉइटिव नेचर, मैथ्स वाला आपका लैंडलॉर्ड, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपकी फैकल्टी, आपका आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला, आपका आपका इंटरनेट वाला, आपको जो सेवा चाहिए वो आपका शोषण करने में लगा है। उसका मानना है कि तुम तो आईआईटी पास हो ही गए हो, तो तुम्हारी जेब से लूटने में हमको कुछ नहीं जाता। वहाँ टिफिन सर्विस वाले से लेकर वहां पर कोचिंग वाले तक सब आपको लूटने में लगे। कुछ की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि सब एक से नहीं होते हैं, ठीक है, सब एक से नहीं होंगे, अधिकांश लोगों की बात मैं कर सकता हूं। तो यहां पर एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ सराउंडिंग्स, आपके आसपास का शोषणकारी माहौल, फाइनेंशियली शोषण होता है, मेंटली शोषण होता है, फिजिकली शोषण होता है। आपको खाना नहीं दिया, न्यूट्रिशन नहीं दे रहा कोई आपको यार, खाने के अंदर टिफिन के नाम पे खराब टिफिन सर्विस है, या वो आपको ऐसी चीज दे रहा जो आपको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए बॉडी को। 16, 17, 18 ये बच्चे बढ़ते हुए बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी की डिमांड, बॉडी की न्यूट्रिशन की मांग कुछ और होती है, वो खराब खाना खा रहे हैं, वो तेल वाला खाना खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो फिजिकली फिटनेस खराब हो रही है। एजुकेशन मेंटल प्रेशर बना रही है आपके ऊपर, और ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एनवायरमेंट तो खराब है ही वहां का, तो फाइनेंशियल प्रेशर तो है ही है। तो बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे शोषण होते हैं जो आप कोटा में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लिसन केयरफुली, अदर रीजंस क्या हैं इसके पीछे, और रीजंस क्या हैं दोस्तों यहां पर, और रीजंस में हम समझ सकते हैं, लिमिटेड सीट, हैवी कंपटीशन, वो तो दो राय नहीं है, आईआईटीज में, नीट में, एम्स की बात करें तो बहुत लिमिटेड, बहुत हैवी कंपटीशन, लिमिटेड सीट्स हैं काफी अपने आप में, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर बच्चों पर रहता ही है, कॉम्पिटिशन तो है ही यहाँ पर। तो कई सारे रीजन हमको दिए गए हैं, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है दोस्तों, जैसे भी केस, सुसाइड केस बढ़ने लगे, तो अभी क्या किया राजस्थान सरकार ने, कोटा एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं आपके, उस पर 2 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, 2 महीने का बैन लगा दिया गया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट नहीं लेगा 2 महीने तक, बच्चों पर प्रेशर पड़ता है इससे, ठीक है। तो आप टेस्ट को बैन कर रहे हैं अभी, सॉल्यूशन जो दिया गया, इंपॉर्टेंट बात है काउंसलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों से परामर्श करिए, सलाह कीजिए, उनसे लगातार चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा कीजिए। मैं भी अपनी मतलब बात करता हूँ, मैं लगातार ट्राई करता हूँ बच्चों से बात होती रहे, ठीक है यार कोई भी टेंशन है बताइए आराम से, क्योंकि अगर कोटा में है ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, तो उनको जुड़ाव करना आसान है। आपने देखा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके पास घर परिवार है अपनी समस्याओं को बताने के लिए, मैं ऑफलाइन बैठता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है इसको मिलना है, आ लो मिल लो आकर, यार बात होती रहनी चाहिए, आपसे संवाद होता रहेगा, आपको विश्वास है कि सर सुन लेंगे, शायद मेरे पास समाधान ना हो कई बार, लेकिन जो एक एक प्रेशर कुकर का वॉल्व होता है ना, वही बात है यहाँ पर, तो वो जो वॉल्व है, वो जो आपका प्रेशर है अंदर, वो शायद रिलीज हो जाए कम से कम। सॉल्यूशन होता मेरे पास ना हो, आपके माँ बाप के पास ना हो, किसी के पास ना हो उस चीज का, लेकिन वो सुनना जरूरी है उस बात को। तो एटलीस्ट काउंसलर क्या करते हैं, काउंसलिंग क्या होती है, वो परामर्श क्या होता है, वो यही होता है कि आपके गुस्से को, आपके इस पीड़ा को, आपके इस दर्द को बाहर निकाला जा सके, ठीक है। सॉल्यूशन हो सकता है ना उसके पास, तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा क्या करना चाहिए, रेगुलेशन बहुत जरूरी है। बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट अधिकारी हैं यहाँ पर, या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, कोचिंग की फीस से लेकर जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो सर्विस दे रहे हैं, जो डिफरेंट प्रकार की, उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, एक्सप्लॉयटेशन को रोकना बहुत जरूरी है।
राष्ट्रीय बाल विकास नीति है, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी हमारे पास, वो कहती है बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास सरकार की जिम्मेदारी है। 16 साल का बच्चा वहां रहता है, जिम्मेदारी सरकार की है कि उसकी टेक केयर के वेलबींग करे। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सरकार को रेगुलेट करना होगा यहाँ संस्थानों की फीस से लेकर यहाँ के एक्सप्लॉइटेटिव नेचर को कंट्रोल करना होगा सरकार को यहाँ पर। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को स्वयं को रेगुलेट करना होगा, सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। सरकार आपकी क्लास के अंदर डंडा लेके नहीं घुस सकती यार, सरकार नियम बना सकती है लेकिन क्लास के अंदर नियम कौन मानेगा यदि कोचिंग संस्थान सेल्फ रेगुलेट होगा। तो आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है कोचिंग संस्थानों का। जी हाँ, वी नीड अ सेल्फ रेगुलेशन। तो इसके लिए जरूरी है कि एक हमेशा बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज सेक्टर से काम आता है, संगठित क्षेत्र लगातार नियम कानून होते हैं, लगातार चेक होते रहती हैं चीजें, मोटिवेशन मिलता है, जो अच्छा कर रहा है उसको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है यहाँ पर। तो उसकी बहुत जरूरत है सेल्फ रेगुलेशन एंड कोचिंग इंडस्ट्री टू, ये बहुत जरूरत है दोस्तों हमको यहाँ पर। एक विकल्प देते हैं कि कोटा को थोड़ा सा, कोटा के जैसे 2-3 शहर बन जाए देश में, शायद इतना प्रेशर ना हो बच्चों के ऊपर, वो विकल्प नहीं हो सकता कि कॉम्पिटिशन तो एक ही जगह होता है, तो ये विकल्प मैं नहीं दूंगा आपको यहाँ पर। वॉट एवर, ये कुछ समाधान के तौर पर हम बोल सकते हैं कोटा के विकल्प के, कोटा की समस्या के समाधान के रूप में। हो पाएगा दोस्तों आर्टिकल हमारा, क्या तैयार हो जाएगा आर्टिकल? चलिए ठीक है सर, ऑल्टरनेटिव वाला पॉइंट, मतलब 2-3 कोटा बना दो देश में ना, मतलब ये था ऑल्टरनेटिव। या भी समस्या थी कि विकल्प नहीं है उनके पास रोजगार का, और कोई विकल्प नहीं बचता उनके पास क्योंकि स्कूलिंग आपने की नहीं ढंग से। चलिए आएंगे इस कोटा के से बाहर हम लोग। यहाँ पर एक जो यहाँ पर बड़ा अच्छी बात लिखी थी, मैं इसको शायद दिखा पाऊँ लोगों को, जो राइटर ने एक बात लिखी थी यहाँ पर हमारे, एक पैराग्राफ है यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। हालांकि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष ये भी है इस राइटअप में, बच्चों से बात की होगी यहाँ पर जो पत्रकार गए होंगे फील्ड में, उन्होंने बच्चों से बात की, बच्चों का कहना क्या था यहाँ पर, उनका कहना था कि सुसाइड कोई करता है भुगतना हमें पड़ता है। अब बच्चों की सोच है, सुसाइड कोई करता है, माँ बाप हमारे डर जाते हैं, और वो माँ आ जाएगी, हमारे पिताजी आ जाएंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब करते हैं हमारी आकर, या हमको घर बुला लेते हैं कुछ महीने के लिए, या एग्जाम के टाइम आके बैठ जाएंगे हमारे यहाँ पर रूम में, अब उनको देखें अपने पढ़ाई करें एग्जाम के टाइम, मतलब माँ बाप का डर स्वाभाविक है, बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है वो भी स्वाभाविक है यार। तो मतलब जिस काम के लिए वो कोटा के रह रहा है पढ़ने के लिए, माँ या पिताजी या कोई और रिश्तेदार आ गए उसके, खासकर इसमें लिखा है कि सीनियर सिटीजन आ जाते हैं बच्चे के, दादा दादी आ गए, शायद वो शायद घर में उनका रोल है कि वो आ जाए बच्चे से रह सकते हैं, वर्किंग नहीं है वो हाल फिलहाल रह सकते हैं बच्चे के साथ आकर, नाना नहीं आके रहने लगे बच्चे के साथ, तो यार पढ़ेगा बच्चा जब उन पर ध्यान देगा तो वो हमें लगता है कई बार सुविधा है। तो बच्चों का ना, बच्चों का एंगल ये है यहाँ पर कि कोई सुसाइड करता है हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, कोचिंग में नए नए नियम आ जाते हैं, टेस्ट होना बंद हो गया कोचिंग में हमारी यहाँ पर, तो उनकी अपनी शिकायतें हैं उसको भी सुना जाना चाहिए क्योंकि वो ऐसा वर्ग है। ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊं मैं, छोटा एग्जाम्पल कंपेयर कर सकते हैं, अभी हमारे कुछ दिनों पहले मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थान में एक आग लग गई थी, कुछ घटना हुई थी आग लगने की, ठीक है, उसके बाद नियम जारी हो गए कुछ, ठीक है, अब कुछ संस्थान बंद हो गए कुछ समय के लिए। अब जो बच्चे जो आग से झुलसे थे उनको पीड़ा हुई निश्चित तौर पर उनको राहत मिलनी चाहिए, जिनके संस्थान बंद हो गए उसके घटना के बाद, वो अलग परेशान है यार कि मुखर्जी नगर आके रह रहे हैं, यहाँ आग कहीं लगती है हमारा संस्थान बंद हो जाता है, अब उनकी पीड़ा कौन समझेगा यार, वो भी एक समूह, तो वो भी है बेचारा, पीड़ा उसकी समझना जरूरी है अपने आप में। चलो यार आगे बढ़ते हैं आपके साथ हम लोग यहाँ से। चलो तो यहां पर एक पैराग्राफ था मेरा, कहां था वो, ये था, मैं दिखाना चाह रहा था आपको पैराग्राफ, शायद नीचे था इसमें, हाँ यहां पर एक बात उन्हें कह रहे हैं, शायद इसके नीचे होगा, मेंटल हेल्थ के बारे में एक बात थी यहां पर, हाँ ये बात थी समझिएगा, डॉक्टर एक साइकेट्रिस्ट है, उनका एक स्टेटमेंट है दोस्तों यहां पर, साइकेट्रिस्ट साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर, साइकेट्रिस्ट ये कह रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल साहब, एक एनजीओ चलाते हैं होप सोसाइटी कोटा में वो, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रेस स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए चलाते हैं वो सोसाइटी, ही सेज
पीपल फेल टू आइडेंटिफाई साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। जी हाँ, ये एक बड़ी समस्या है कि आपका मानसिक स्तर कमजोर हो रहा है, आप एक कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अवसाद के शिकार हो रहे हैं, लेकिन आप उसको पहचानने में नाकाम रहते हैं। आप पे चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप बात को रैशनल तरीके से नहीं देखते हैं चीजों को, लेकिन इस बीमारी को, इस मेंटल हेल्थ को लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को लेकर एजुकेशन ही नहीं है लोगों को। मुझे बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, मैं समझ जाता हूँ सर्दी जुकाम हो रहा है या मुझे पेन हो रहा है बॉडी में, मैं जानता हूँ। मैं मेंटल हेल्थ का मैं परेशान हूँ, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ उस बात को। तो शायद एजुकेशन रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ ये भी जरूरी है बच्चों को दी जाए 10th क्लास तक, कि कैसे समझें कि आप अवसाद के शिकार हैं, कैसे समझें कि आप मेंटल हेल्थ के शिकार हैं। तो जरूरी ये है कि मेंटल हेल्थ के साइन समझे जाएं। एवरीबॉडी विल हैव टू बी अटेंटिव। जी हाँ, हर किसी को बताया जाए मेंटल हेल्थ कैसे खराब हो सकती है। इफ अ चाइल्ड स्किपिंग मील्स, क्लासेस, होस्टल एक्टिविटी, वी नीड टू एंगेज विद देम, व्हाटएवर। एक बच्चा जो कोचिंग नहीं आ रहा, मैथ्स में नहीं आ रहा, खाना नहीं खा रहा, या लगातार वो किसी क्लासेस को अवॉइड कर रहा है, होस्टल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उस पर बात की जाए, उस पर हम लोग समझ पाए। अगर ऐसा एक चार्ट बना पाए तो शायद हम बच्चों की आत्महत्या एक्टिविटी को काफी रोक पाएंगे, ये डॉक्टर साहब का कहना है। तो एक्सपर्ट व्यू भी हो गया आपके साथ, ठीक है। अच्छा लगा पैराग्राफ पढ़ के। ये उनका कहना है कि कोचिंग संस्थान इस बारे में कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं, और वहां के काउंसलर, जो सो कॉल्ड काउंसलर होते हैं, वो इतने क्वालिफाइड ही नहीं होते कि मेंटल हेल्थ को समझ पाए। बैठ गए हैं काउंसलर बनकर, उनको इतनी समझ ही नहीं है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ को समझ पाए, क्या बीमारी है उसको या क्या उसको अवसाद चल रहा है। फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं वहां पर, तो निश्चित तौर पर रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है और स्वनियमन होना बहुत जरूरी है अपने आप में। चलिए दोस्तों, बाहर आते हैं इस कोटा की खबर से हम लोग। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक अपना क्लियर होगा। चलिए आइए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर दोस्तों, आपके संग नेक्स्ट पर चलेंगे हम लोग। So, we are भी कहां पर आ गए हम लोग, चौथा आर्टिकल पे हम लोग आ गए आपके साथ। ओके, इसमें कोई और आर्टिकल, ओके, ये जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड पे है, ठीक है। मामला छोटा सा आर्टिकल है दोस्तों, चाइना वाला हमने कर लिया इसका, द हिंदू का आज का, ठीक है। ये आया है दोस्तों द हिंदू में आज का, जो एडिटोरियल साइड में, जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की बात को लेकर। मामला क्लियर है, ऐसा कोई विशेष विरोध नहीं है आपको लेकर। दो तीन बातें राइटर ने जोड़ी हैं जो मैं अक्सर जोड़ना चाहूंगा आपके साथ, ठीक है। आइए बोर्ड पर चलते हैं इसको लेकर, मामले को लेकर दोस्तों। लोग मामला क्या है, जैसा आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर राज्य, जो एक राज्य हुआ करता था, 5 अगस्त सरकार ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 को सरकार संसद में बिल लेकर आती है और जम्मू कश्मीर राज्य को दो यूटी, यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख में तोड़ दिया जाता है। सरकार ने यह बताया हमको उस समय चर्चा के दौरान कि UT1 यानी जम्मू कश्मीर यूटी होगा, इसको जल्द ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा, स्टेटहुड दिया जाएगा और यहां विधानसभा होगी, ठीक है। राज्य का दर्जा देंगे, विधानसभा बनेगी इस यूटी के अंदर, विधानसभा बनाएंगे फिर जल्दी राज्य का दर्जा दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि यूटी जो बनाई जाएगी इसमें विधानसभा होगी, पहले तो चुनाव होंगे विधानसभा के यहाँ पर, और जल्दी इसको राज्य का दर्जा देने का प्लान होगा हमारा, ठीक है। लद्दाख जो यूटी बनेगी इसमें विधानसभा नहीं होगी और राज्य तो बनने से कभी रहा ही है, राज्य नहीं बनाएंगे, यूटी रहेगा हमेशा ये, तो ना तो राज्य बनेगा ना ही इसमें विधानसभा होगी, लद्दाख की बात हो गई, ठीक है, बना दिया गया। 2019 से 2023 आ गया, 4 साल गुजर चुके हैं, अगस्त से अगस्त हो चुका है, 4 साल 1 महीना हो गया लगभग। कहाँ पहुंचा राज्य की मांग की बात, आपने कहा था जल्द से जल्द, उन्हें कहा था यूटी बनाया टेम्परेरी, सरकार का नाम यूटी बनाया था इसको अस्थाई तौर पर, अस्थाई तौर पर यूटी बनाया था, तो 4 साल हो गए, कब इसको राज्य बनाएंगे। अब इस मामले को लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट में आजकल हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट आजकल हियरिंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जिसके हेड कर रहे हैं स्वयं CJI साहब, जिसको लीड कर रहे हैं चंद्रचूड़ सर, हमारे स्वयं लीड कर रहे हैं इसको, तो CJI साहब की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय 5 जजों की बेंच है, संवैधानिक पीठ बैठी हुई है, किस मामले की जांच करने के लिए कि सरकार ने जो 5 अगस्त को जो कदम उठाया था, आर्टिकल संविधान का 370 को डाइल्यूट करना, 35A को खत्म करना और जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान जो थे उन्हें खत्म करना और जम्मू कश्मीर को दो यूटी में तोड़ना, ये सारे काम जो सरकार ने किए थे उस दिन,
क्या ये सही तरीके से किए गए थे, क्या संवैधानिक दृष्टि से सही कदम था, इसकी जांच कर रही है सुप्रीम कोर्ट। हियरिंग चल रही है, डेली हियरिंग होती है वहां पर, ठीक है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई साहब ने कमेंट किया, सरकार से पूछा कि आपने बोला था राज्य का दर्जा देंगे, तो ये कब तक देंगे, टाइम लिख के दीजिए हमको। तो सरकार से कहा टाइमलाइन बताइए, कब तक आप ये दर्जा इनको देंगे, कब तक इसको राज्य बनाएंगे, सवाल नंबर एक, कब तक बनाएंगे राज्य का दर्जा। दूसरा सवाल सीजीआई साहब ने कहा, यह स्पष्ट करे भारत सरकार कि संविधान का आर्टिकल 3, संविधान का अनुच्छेद 3 जो संसद को अधिकार देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है, दोस्तों ये आर्टिकल आपका पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो किसी राज्य में से कार्वआउट कर सकती है किसी यूटी को। संसद का आर्टिकल 3 ये अधिकार संसद को देता है, संविधान का आर्टिकल 3, कि संसद किसी राज्य में से एक केंद्र शासित प्रदेश को अलग कर सकती है, यूटी को अलग कर सकती है, उसकी सीमा बदल सकती है, यूटी बना सकती है इसमें। लेकिन क्या इसका इंटरप्रिटेशन ये माना जाए कि एक राज्य को यूटी में कन्वर्ट कर सकती है क्या संसद, एक पूरे राज्य को यूटी में कन्वर्ट कर सकती है? हाँ, राज्य था, आपने सीटें अलग कर दी, यहां से यूटी बना दिया, ये राज्य तो बना रहेगा। तो क्या ये आर्टिकल 3 ये कहता है कि पूरा राज्य एक यूटी बनाया सकता है? क्या संसद ये आर्टिकल 3 कहता है ऐसा? इसके बारे में सरकार सफाई दे हमको, ठीक है। ये एक प्रकार से सवाल है सरकार से पूछे संसद, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी। उस पर पहले वाला क्वेश्चन था कि राज्य का दर्जा कब तक देंगे, तो यहां पर सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है, एक एफिडेविट दिया है जनाब, और कहा है कि हम अस्थाई प्रावधान है यूटी का, जल्दी राज्य बनाएंगे, लेकिन समय नहीं बता सकते आपको कब तक बनाएंगे, यानी टाइमलाइन नहीं दे पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे कब तक बताएंगे। तो सरकार ने कहा भैया हम जल्दी बनाना चाहते हैं, लेकिन कब तक बना देंगे राज्य इसको, इसकी समय सीमा हम नहीं दे पाएंगे आपको। क्यों नहीं? क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात, वहां के कंडीशन, वहां के लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं है, वहां अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है, कई प्रकार के अलगाववाद हैं, आतंकवाद हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, और हम वहां पर राज्य का दर्जा उसको नहीं दे सकते। सरकार ने लिखकर दिया सुप्रीम कोर्ट में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बोला कोर्ट के सामने कि जनाब ऐसी बात है, जम्मू कश्मीर अभी वहां पर चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी डिस्टर्ब है, ये कहना है भारत सरकार का। और इसके बाद सरकार ने एक बात और कही कि जनाब ठीक है हम लोग नहीं राज्य का दर्जा दे पा रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है, हमने खूब सारे फंड दिए हैं वहां पर, खूब सारे रेल परियोजनाएं बिछाई हैं, खूब सारे रोड परियोजनाएं बिछाई हैं, हम बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, बहा रहे हैं वहां पर, जम्मू कश्मीर के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो राज्य का दर्जा भले ही ना हो, लेकिन हमने बहुत सारा पैसा, बहुत सारा निवेश जम्मू कश्मीर में किया है वहां के लोगों का कल्याण करने के लिए, ये सरकार ने लिख के दिया कोर्ट के अंदर। अब यहां पर ये तो हो गया, कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा इस पर, अब लग रहा है मंडे को सुनवाई होगी। लेकिन यहां पर राइटर हमारा क्या टेक ले रहा है, राइटर ये कह रहा है जनाब, एक तरफ सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हम नहीं दे सकते, कारण है लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। दूसरी तरफ भारत सरकार के प्रतिनिधि, भारत सरकार के नेता, भारत सरकार की स्पोक पर्सन बार बार कहते हैं जम्मू कश्मीर में बाहर ही बाहर है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बहुत बाहरों का देश बन गया है, बहुत बाहरों का इलाका बन गया है, वहां पर G20 की स्पेशल मीटिंग हो रही है, कुछ मीटिंग वहां कराई गई, वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है लगातार, वहां पर वायलेंस में कमी आ गई है, वहां आतंकवाद कम हो गया है, जम्मू कश्मीर खुशहाल हो गया है। एक तरफ आप कहते हैं खुशहाल हो गया है, एक तरफ कहते हैं डिस्टर्ब एरिया बना हुआ है, कोर्ट में कहते हैं डिस्टर्ब बना है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बाहर जनता को बोलते हैं कि सब टूरिज्म बढ़ रहा है, निवेश हो रहा है, खूब नौकरियां पैदा हो रही हैं, ये विरोधाभास आखिर क्यों है? राइटर ये टेक ले रहा है यहां पर हमारा। राइटर कह रहा है जनाब ये दो राय, ये दो पक्ष नहीं चल सकते आपके। कोर्ट में कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, राज्य का दर्जा दे सकते, बाहर कहते हैं सब कुछ ठीक है, यहां तो निवेश ही निवेश हो रहा है यहां तो। इसको लेकर राइटर हमारा टेक ले रहा है यहां पर। दोस्तों मैं आता हूं उस पर आपके साथ, राइटर हमारा क्या कह रहा है यहां पर। आइए थोड़ा सा जूम कर दूं उस पर आपके लिए। ओके आइए दोस्तों पढ़ते हैं कुछ बातें आपके साथ। तो यहां पर बताया मैंने आपको जम्मू कश्मीर टाइमलाइन की बात कही, तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया जनाब कि हम लोग अभी आपको टाइमलाइन नहीं दे सकते कुछ, ठीक है अभी हम टाइम नहीं दे सकते आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सरकार की ओर से कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ
हमने बहुत सारा काम किया है यहाँ पर, बहुत सारा काम किया राज्य को बेहतर करने के लिए, बहुत पैसा खर्च किया हम लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात राइटर जो टेक ले रहा है वो दोस्तों ये है, हाउएवर द पिक्चर ऑफ नॉर्मेलिटी पोर्ट्रेट बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट, क्या भारत सरकार सामान्य पिक्चर नहीं दिखाती लोगों को बाहर कि जम्मू कश्मीर सबको सामान्य हो चुका है? आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं संविधान का संकट है, वहां पर हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे दो राय हैं अपने आप में, दो बातें हैं यहाँ पर। और दूसरी बात सीजीआई साहब ने जो कहा कल वो भी जान लेते हैं यहाँ पर। जब सरकार ने कहा इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना विकास में पैसा खर्च करते हैं यहाँ पर हम लोग, ये प्रोजेक्ट लगा दिया वो लगा दिया, तो सीजीआई साहब ने कहा मैंने पूछा क्या आपसे आपने कितना पैसा लगाया? क्या किसी जगह पर पैसा लगाना लोगों के संवैधानिक अधिकारों की भरपाई कर सकता है? लोगों के संवैधानिक अधिकार, बोलने का अधिकार, उनको वोट देने का अधिकार, उनको अपने कैंडिडेट चुनने का अधिकार, आप विकास में गंगा बहा दें वहां पर, लेकिन आपने अगर लोगों का अधिकार छीन लिए तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप इस तर्क को ना दें कि विकास के लिए ये पैसा कर दिया, आप अधिकार छीन रहे हैं लोगों के, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे मत बहलाइए यहाँ पर, जो शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से इसका जो भाव निकल के आ रहा है यहाँ पर, मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ, पैराग्राफ जो लिखा है यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ क्या लिखा है दोस्तों। एनी पॉजिटिव चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन द ग्राउंड सिचुएशन शुड बी अपॉइंटेड टू द नीड ऑफ द अर्ली इलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो सीजीआई साहब ने कहा, सीजीआई साहब ने क्या कहा, ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग द डेवलपमेंट वर्क गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन आफ्टर 2019 इज नॉट रिलेवेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सरकार जो दावा कर रही है हमने विकास किया वो विकास किया, इस दावे की प्रासंगिकता है ही नहीं। हमारा मुद्दा क्या है, संवैधानिक चुनौती आपने जो पेश की है, अधिकार जो लोगों का है उसकी बात कर रहे हैं। आपने विकास पे क्या किया, किया क्या नहीं किया, आप ही कह रहे हैं शांति स्थापित नहीं हुई वहां पर, तो क्या विकास किया आपने? और विकास में दावा कर रहे हैं, हम तो बात ही नहीं कर रहे विकास की, हम तो बात कर लोगों के अधिकार की। चीन में सोचिए दोस्तों, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, चीन में पर कैपिटा इनकम हमसे 6 गुना ज्यादा है, जीडीपी का साइज हमसे 5 गुना ज्यादा है, लोगों की आय हमसे कई गुना ज्यादा, 1% गरीब, 15% गरीब है देश के अंदर। तो क्या चीन हमसे बेहतर प्रशासन दे रहा है? क्या विकास केवल इकोनॉमिक बेसिस पे देखा जाना चाहिए कि लोगों के अधिकार बराबर हैं वहां पर, व्यक्ति का अधिकार बराबर है वहां पर? सोचना होगा हमको। तो निश्चित तौर पर जो कोर्ट सीजीआई साहब कह रहे हैं उस बात की गंभीरता को हमें समझना होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों मेरी बात पहुंच पा रही है आप तक। क्या आर्टिकल क्लियर है दोस्तों आपको, ये समझ क्लियर है यहाँ पर? तो ये छोटा सा आर्टिकल तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कई मुद्दे हैं, तो वो आर्टिकल 3 वाला मुद्दा बचा है, उस पर हेयरिंग होनी है अभी, तो हेयरिंग चलनी है अभी कुछ दिनों में, फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यह दोस्तों एक आर्टिकल आपके साथ, चौथा आर्टिकल आज का, उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा काफी लेट हो गया अपना क्लास आज, 10 मिनट और बैठेंगे मेरे साथ आप लोग, 5-7 मिनट और दीजिए मुझे आप लोग कीमती अपने, लेकिन मैं चर्चा नहीं करता हूँ, टाइम खराब नहीं करते, फिर इतने अपने टाइम हो जाता है जल्दी, क्या करें। चाइना की बात कर ली, कोटा की बात कर ली हम लोगों ने आपसे, तो काफी बात हम लोग कर चुके हैं पीछे। ठीक है, हमने चाइना की बात कर ली, वन नेशन कोटा की बात हो गई, जम्मू कश्मीर राज्य की बात हो गई, एक बचा है अपना कृषि जीडीपी वाला, और एक बचा है पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन दोस्तों, ठीक है ना। चलो चलो 5 मिनट और बैठिए, फटाफट 2 आर्टिकल खींच देंगे आपके साथ ना, फटाफट खींच देंगे। हालांकि शनिवार को आर्टिकल कम आते हैं, लेकिन आज मैंने कहा ना सब काम गड़बड़ हो गया, तो पढ़ने का टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया मेरे को आपके साथ, और मैं कुछ ज़्यादा अखबार पढ़ता नहीं है, लेकिन मैं लगा काम का है बता देता हूँ, चर्चा है शनिवार का, संडे का दिन आपका ऑफ रहेगा वैसे भी। अब मैच देख रहा था, मैं मैच देखते थे, मैं क्या करूँ, अखबार ही पढ़ता रहा बैठे बैठे, तो बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी अंडरलाइन करके, बहुत वीडियो बना दी मैंने आपके लिए, तो थोड़ा सा ये हो गया। चलो क्या करें, हम लोग बात करते हैं आपके साथ कृषि और जीडीपी के बारे में, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, कहाँ गया, फील्ड चेक, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल दोस्तों अपना आज का, ठीक है।
आइए इंडियन एक्सप्रेस में दोस्तों क्या दिया सुन लीजिए, मैं समरी कर रहा हूँ आपके लिए, इसकी फटाफट समरी कर दूंगा आपके लिए। ओके हुआ क्या दोस्तों, 2019-20 कोरोना से ठीक पहले, कोरोना काल से ठीक पहले कृषि में ग्रोथ रेट थी 6%, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी 6%, ठीक है। 2021-22 या 2021 की बात करें, कोरोना आया था इस साल, कोरोना आया उस साल ग्रोथ कितनी हुई कृषि की, 4.1%, कृषि की समृद्धि दर अच्छी रही हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसके चलते देश का GDP कितना बढ़ा, यहां तो निगेटिव हो गया था कोरोना के, बाकी निगेटिव हो गया था कोरोना में, लेकिन यहां भी ग्रोथ रेट हमारी ठीक ठाक बनी थी, 4% के आसपास आई थी। यानी कि आप देखिए देश की ग्रोथ कम थी, कृषि में ग्रोथ ज्यादा थी, यानी ये वो दो साल थे जब कृषि में ग्रोथ आपके देश में ज्यादा हो रही थी कंपेयर देन देश की GDP के मुकाबले। देश का एवरेज GDP कम था, कृषि में ग्रोथ रेट ज्यादा थी, ये वो साल थे जब कृषि बूस्ट आपकी इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही थी, GDP ऊपर कृषि की वजह से चला रहा था, कृषि ग्रोथ रेट ज्यादा थी क्योंकि आपके देश में। लेकिन उसके आगे बढ़े हम लोग 21-22 की बात करें और 22-23 की बात करें, ठीक है। इसके बाद कृषि रेट में थोड़ी गिरावट आई, थोड़ी गिरावट आई है दोस्तों यहां पर, ठीक है, और GDP रेट थोड़ा सा तुलना में बढ़ गया, यानी यहां पर GDP ज्यादा है दो सालों से, कृषि ग्रोथ रेट कम हो गई। यानी ये दो साल वो कह सकते हैं जब GDP ऊपर जा रही थी लेकिन कृषि नीचे जा रही थी, तो कृषि ने ड्रैग कर दिया आपकी अर्थव्यवस्था को। ये एक स्टेटमेंट निकल के आता है, पहली बात जो आर्टिकल में है हमारे पास उसमें स्टेटमेंट निकल के आता है दोस्तों। आइए बात करें स्टेटमेंट की, तो यहां पर राइटर कह रहा है, पहले सुन लीजिएगा आपके सामने है, राइटर कह रहा है एग्रीकल्चर एक्टेड अ शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग कोविड, तो कोविड के समय कृषि एक शॉक एब्जॉर्बर थी, जो झटके अर्थव्यवस्था को लग रहे थे उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर रही थी, कृषि मजबूती से खड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट नाउ इट इज अ थ्रेटनिंग टू बी ड्रैग ऑन द इकोनॉमी, अभी खतरा पैदा कर रही है कृषि, अर्थव्यवस्था को ड्रैग कर रही है, अर्थव्यवस्था को नीचे खींच रही है। डेटा दिया है, डेटा मेरा काम करता नहीं है इस पर, ठीक है, डेटा यहां दिया है। अगर हम देखें दोस्तों तो राइटर ये कह रहा है हालांकि आप देखेंगे आजादी के बाद से लेकर धीरे धीरे कृषि में लेबर कम होती जा रही है, आजादी के समय देश की वर्कफोर्स का 80% कृषि में काम करता था, आज देश की वर्कफोर्स का लगभग 40-42% कृषि में काम करता है। हर साल देश में वर्कफोर्स जो कार्यबल है कृषि में धीरे धीरे मजदूर कम हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में, गैर कृषि कार्य में बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोविड से पहले 18-19 में और 21-22 के बीच में, कोविड के एरा की बात करें, देश में कृषि वर्कफोर्स बढ़ गई, टोटल वर्कफोर्स जो थी वो 42 से बढ़कर 45 हो गई, कब, कृषि में। सोचिएगा देश की टोटल वर्कफोर्स का 40-42% कृषि में काम कर रहा था कोरोना से पहले, कोरोना के दौरान, कोरोना के ठीक बाद ये 45% हो गया। यानी हुआ क्या, कोरोना काल में ज्यादा लोग खेती करने लगे, यानी खेती ने संभाला, लोगों को रोजगार दिए एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, पिछले दो समय से आज पर ग्रोथ रेट कितनी रही कृषि की, कल डेटा हम बात कर रहे थे आपको याद होगा, क्वार्टर वन फॉर 23-24 इस वित्तीय वर्ष के लिए देश की ग्रोथ रेट है 7.8%, और इसमें कृषि कितनी थी याद है किसी को, याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा याद कर लें, मतलब डेटा चर्चा में काम आता है, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, 3.5%, यानी देशी ग्रोथ इतनी है और कृषि में ग्रोथ इतनी है दोस्तों। और मैंने कहा था ग्रोथ कम मानी जाएगी कृषि में अपने आप, तो इस समय क्या हो रहा है कृषि में ग्रोथ नहीं आ रही है, और यदि एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं होती दोस्तों, कृषि में समृद्धि नहीं होती, इसके क्या मायने हैं, इसके मायने हैं कृषकों की आय नहीं बढ़ेगी, तो जो किसानों की आय डबल करने का सपना हमने देखा 2015 में वो नहीं हो पाएगा, किसानों की इनकम नहीं बढ़ेगी, किसानों की इनकम नहीं बढ़ेगी, किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, तो ग्रामीण इलाकों में डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब तक किसान की जेब में पैसा नहीं होगा गांव में डिमांड कहां से आएगी। जी हां, तो बड़ी आबादी देश की मांग नहीं करेगी, डिमांड नहीं करेगी दोस्तों, तो देश में डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड अगर कम रहती है, मांग अगर कम होती है देश के अंदर, तो क्या होगा, कंपनी उत्पादन करेंगी क्या सामानों का, जी नहीं, देश में उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो यानी GDP कम हो जाएगा, अल्टीमेटली देश में ग्रोथ कम हो जाएगी, GDP नीचे आ जाएगा। यानी लंबे समय तक कृषि ग्रोथ रेट नहीं होती अगर देश में, किसानों की इनकम नहीं बढ़ती हमारे यहां पर,
तो उसका लंबे समय प्रभाव क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ जाएगी। एग्जैक्टली यही होगा यहाँ पर, हो भी है, दो साल से कृषि ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, अब जीडीपी नीचे आ सकता है लगातार। अगर कृषि ग्रोथ रेट नीचे आती है, कृषि ग्रोथ में कमी आएगी, किसानों की इनकम नहीं, इनकम नहीं तो किसानों की मांग नहीं, मांग नहीं तो उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं तो ग्रोथ रेट नीचे आ जाएगी। जी हाँ, तो ये जो विश्व साइकिल साइकिल दुष्चक्र होगा, ये मुश्किलें करेगा आने वाले समय में भारत के लिए। तो कृषि में ग्रोथ रेट क्यों नहीं हुई दो सालों से, वो भी जान लेते हैं आपके साथ। आखिर रीजन क्या है ग्रोथ रेट ना आने के, कारण क्या है कृषि में ग्रोथ रेट ना होने के। तो कारण नंबर एक, क्लाइमेट, जलवायु। जी हाँ, जलवायु एक बड़ा कारण बन गया है। कभी बेमौसम बारिश हो जाती है, कभी फ्लड आ जाती है, कभी हमारे यहाँ पर सूखा पड़ रहा है, बेमौसम चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें क्लाइमेट को लेकर हैं। दूसरा मानसून, पर्टिकुलर इस साल की बात करें तो मानसून देखा है हमने, सामान्य से 8% मानसून कम आ रहा है इस बार, तो मानसून कम आया है दोस्तों। इसके अलावा कृषि के उत्पादन कम होने का बड़ा कारण क्या है, कहीं ना कहीं कृषि में उत्पादन जो दो साल पहले था कि बहुत सारे लोग घर चले गए थे, लेबर पहुंच गई थी, लेबर ने एक्स्ट्रा जमीन पे खेती करना चालू कर दी, अब वो नहीं रह गया, लेबर वापस शहर में आ गई है लौटकर। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, वो माइग्रेशन फिर से हो गया और लोग शहर में आ गए। जी हाँ, फिर से कृषि मजदूर कम हो गए अपने आप में, कृषि मजदूर कम हो गए, कोरोना काल में जो बढ़ गए थे वो कम हो गए और कृषि में उत्पादन कम हो गया हमारे यहाँ पर। इसके अलावा एक और बड़ा समस्या है हमारे यहाँ पर, जो एक रीजन है यहाँ पर निकल के आया है दोस्तों, एक कारण निकल के सामने जो आ रहा है यहाँ पर, वो ये है कि ग्लोबल स्केल पर कमोडिटीज के दाम बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी चीजें बहुत सस्ती हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, सरकार एक्सपोर्ट बैन लगा देती है, तो कहीं ना कहीं अब गेहूं का निर्यात बैन लगा दिया, बासमती चावल बैन लगाने की बात आ गई, या टूटे चावल पर बैन लगा दिया आपने, तो इससे कृषि नीतियों में स्थिरता नहीं है और किसान डर रहा है खेती करने से। तो कहीं ना कहीं कृषि नीतियों में अस्थिरता होना, पॉलिसी में अनसर्टनिटीज होना, कहीं ना कहीं मुश्किलें कर रही हैं। कृषि नीति में अस्थिरता होना, आज टमाटर का भाव 200 रुपए किलो पहुंच गया, अगले साल क्या होगा मालूम नहीं, सरसों का भाव कुछ 250 रुपए किलो था, 250 रुपए लीटर बिक रहा था सरसों का तेल, अब वो कम हो गया, व्हाटएवर। तो ऐसे क्या हो रहा है, अस्थिरता हो रही है नीतियों में, इससे चौथा क्या है, खेती पर इसका असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो कई कारणों को देख रहे हैं यहाँ पर देश पे किसानी के या खेती के बदलाव के, और इसका असर पड़ सकता है देश की ग्रोथ रेट के ऊपर। उम्मीद कर रहा हूँ ये आर्टिकल आपको सामने आ गया होगा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से। आज का पांचवा आर्टिकल क्लियर है दोस्तों आपको यहाँ पर। अच्छा, अगला जो आर्टिकल, तो छोटा सा न्यूज आर्टिकल नहीं है, न्यूज कहूंगा मैं उसको, न्यूज कहना अच्छा रहेगा, इंडियन एक्सप्रेस में, वो भी आज के इंडियन एक्सप्रेस में है दोस्तों आज के ये स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि संविधान में विशेष सत्र का उल्लेख किया गया पूरे संविधान में कहीं भी, देखते पॉलिटिकल नॉलेज चेक करते हैं आपका, स्पेशल सेशन का उल्लेख किया गया कहीं पूरे संविधान में, एनीवन नोस कहां पर है या नहीं, क्या संविधान में एक बार लाइक तो कर दिया करो यार सेशन को, फटाफट कमेंट करा करो सेशन में आके अगले दिन, यार मतलब पढ़ते रहते हो, बैठ के सुनते रहते हो, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति की ताकत में, राष्ट्रपति ताकत में कहाँ यार संविधान में, राष्ट्रपति की ताकत में कहाँ उल्लेख होगा, किस आर्टिकल में, आर्टिकल बताओ फिर मुझे आप अगर है तो। चलो, संविधान एक ही जगह उल्लेख है आर्टिकल 352 में, ठीक है 352 में, अगर देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल लगाया जाता है देश के अंदर, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, तो संसद का विशेष सत्र आयोजित करके परमिशन मिलाना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था ना उस समय, आप जानते ही हैं, लगा दी पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट से 6 महीने बाद होगा तो 6 महीना संसद मिलेगी, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपने लगा दी मान लो 1 मार्च को लगा दिया आपातकाल, अभी 28 फरवरी को खत्म हुआ है सेशन संसद का, अब मिलेगा 6 महीने बाद 28 अगस्त को मिलेगा मान लो सेशन बैठेगा, 1 मार्च को आपात लगा दिया देश में, तो क्या अगले 6 महीने तक आपात रहेगा देश के अंदर। संविधान का आर्टिकल 352 कहता है जनाब नहीं, आपात की घोषणा की जाती है तो तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, संसद का विशेष सत्र आमंत्रित किया जाएगा और वहां पर इस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा, तभी आपात कंटिन्यू रह सकता है। तो विशेष सत्र का उल्लेख है
एक ही आर्टिकल में दोस्तों, ठीक है। चलिए, और कहीं नहीं लिखा संविधान में इसके बारे में। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया दोस्तों, सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच में 5 दिन का विशेष सत्र आयोजित करने की बात कही है, स्पेशल सेशन कर रहा है पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठेंगी यहां पर, ठीक बात है। विशेष सत्र आयोजित क्यों कराया जाता है, रूल बुक में है, संसद की रूल बुक में लिखा है, कर सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत ही कोई पब्लिक अर्जेंट का विषय हो, बहुत ही कोई जन आवश्यक विषय हो, कोई उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जिस पर चर्चा करना जरूरी है, देश के लिए पब्लिक इमरजेंसी एक प्रकार चर्चा करना जरूरी है, वहां पर बुलाया सकता है सेशन को, बुला रही है सरकार। एजेंडा तय नहीं किया गया, फिर भी लोगों का मानना है कि कई महत्वपूर्ण बिल जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर चर्चा हो सकती है, विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है, वन नेशन वन इलेक्शन पे बात कर रहे हैं ये लोग, शायद यहाँ भी चर्चा इस पर भी हो जाए इसके बारे में, और कई इंपॉर्टेंट कानून है देश में जिसमें एक कुछ लोग मान रहे हैं जम्मू कश्मीर में राज्य की स्थापना या स्टेटहुड के लिए शायद ये बिल चर्चा हो सकती है। तो कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा करनी है, सरकार आमंत्रित कर रही है स्पेशल सेशन को। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये 5 दिन पहले सेशन खत्म हुआ है यार, मतलब 5 दिन पहले हुआ है ना, उसमें इतना हंगामा किया, इतना डेली हमारे कहना चाहिए एक प्रकार से डेली हंगामा होता रहा, अब 5 दिन सेशन बुला रहे हो अलग से, तो उसी को एक्सटेंड कर लेते 5 दिन के लिए, और क्या अंतर पड़ता ना, मतलब दोबारा इन्वाइट करोगे, दोबारा यहाँ पर सारा प्रक्रम होगा, दोबारा इन्वाइट करके दोबारा सबको पैसे जारी करने पड़ेंगे, इससे बेहतर सेशन चल रहा था तो 5 दिन एक्सटेंड कर लेते यार, और क्या था, अभी तो खत्म हुआ सेशन ना 15 अगस्त के आसपास, याद है कब हुआ था, अभी 2-3 हफ्ते पहले खत्म हुआ सेशन हमारा यहाँ पर 15-20 अगस्त के आसपास, 5 दिन एक्सटेंड उसको कर लेते यार, मतलब इतना जल्दी करना था तो फैसला, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन पॉलिटिकल मायने होते हैं हर चीज़ों के, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, पॉलिटिकल विवाद हो जाएगा फिर, नहीं तो ठीक है पॉलिटिकल विवाद हो जाएगा तो मुश्किलें हो जाएंगी फिर साफ काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है अपन उस पर नहीं जाते, छोड़ो हमारा काम नहीं है पॉलिटिकल बात करना, हमारा काम है यहाँ पर विशेष सत्र हो रहा है, 5 दिन का सेशन होगा, बिलों पर चर्चा होगी आपके साथ, बाकी मैंने बताया था करंट क्लास में आज कि क्यों हो रहा है, पॉलिटिकल कारणों की चर्चा मैंने की थी इसके, उस पर हम नहीं जाते क्योंकि बात अनावश्यक बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट बात है सरकार क्यों बुला रही है हमें याद रखना है, और संविधान में कौन उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352 में इसका, क्या मेरी बातें पहुंच पाई हैं दोस्तों, क्या हमारी बातें पहुंच पाई हैं, आज का सेशन अंत करने का बिल्कुल समय आ चुका है, 12:33 है, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे सेशन हो गया आपके साथ, ये बहुत अच्छी बात है। तो कल है संडे का दिन दोस्तों, कल आई डोंट नो कौन सी क्लास होंगी अपनी, देखते हैं जो मुलाकात होगी आपके साथ, कल कुछ सेशन होंगे, एनसीईआरटी तो नहीं कराऊंगा शायद, हो सकता है कल हो जाए, टेलीग्राम पर रहिएगा, टेलीग्राम पर अपडेट करते रहिए दोस्तों, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए मेरे साथ जिससे क्लास का अपडेट मिलता रहे, प्लीज़ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के भाग नहीं हैं तो प्लीज़ बन जाइए, जो भी जानकारी होगी टेलीग्राम पर मिलती रहेगी आपको, क्लासेस के बारे में, सेशन के बारे में, चैट के बारे में बात करेंगे आपके साथ डिफरेंट प्रकार की वहाँ पर, तो प्लीज़ जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, नहीं जुड़े हैं तो, बाकी आप दुनिया में मेल आईडी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं नहीं करते मुझे कोई मतलब नहीं, टेलीग्राम यूज़ करिए और मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी आप जो करना चाहें करें सोशल मीडिया का यूज़ उस पर कभी नहीं कहूँगा, लेकिन कई बच्चे होता है कहने अलगाव रखना है हर चीज़ से, अलगाव रखो, दूर रहो सोशल मीडिया से, लेकिन सोशल मीडिया का यूज़ अपनी पढ़ाई के लिए करोगे अच्छा रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप उसमें से एक है, कोई टेलीग्राम पर मैसेज करता नहीं दोस्तों, मैं ही करता हूँ मैसेज आपको, तो प्लीज़ जुड़ जाइए वहाँ पर जिससे हम क्लास की लिंक पीडीएफ आपको प्राप्त होती रहें और मुझसे जुड़े रहें आप लोग, ठीक है। चलो तो कल कुछ घोषणाएं करेंगे टेलीग्राम पर आपके लिए, अपोजिशन अलाउड होगा सर, बिल्कुल होगा, सेशन का मतलब तो पूरा सेशन ही होता है ना, हर वही होगा पूरा नॉर्मल सेशन होता है वैसे ही होगा, 5 दिन बस ये सत्र, मतलब मानसून सत्र नहीं है, विंटर सेशन नहीं है, ये आपका बजट सेशन नहीं है, ये स्पेशल सेशन है, ठीक है 5 दिन का होगा केवल, बाकी पूरा प्रोसेस वही होगा जैसे होता है। चलिए दोस्तों तो मुलाकात होगी कल आपके साथ, दीजिए आज्ञा, आज ही मुलाकात होगी मतलब थोड़ी देर बाद, अभी दीजिए आज्ञा, मुलाकात करते हैं आपके संग, तब तक दोस्तों प्लीज कमेंट करा करें, लाइक करा करें, शेयर करा करें, मुलाकात होगी जल्दी, थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।